देखो बुढ़ा ये पहाड़ का जलबे दिखाए चा चक। तो शुरू में ही मैं जाता हूँ दरवाजा खटखटाता हूँ डीनू भाई डीनू भाई भी है भी घर में कहा है कौन सा है आ, मैं हूँ बागू, बागचंद बोल रहा हूँ नीरा गया हुआ कहीं ना भेड़ की ऊन लेके गए बनाने के लिए बनाने के लिए भेड़ की ऊन की हाँ जी हाँ हाँ एडिट करने के बाद इसने मेरे को बताया कि एडिट हो गई है मैं बोला क्या है बोलो ओके डन है मैं बोला यार तेरी डन ऐसे ही होती है जो आपकी जोड़ी है ये कैसे बनी जोड़ी रब ने मिलाई जोड़ी <laughs> थोड़ी सी थोड़ी सी पढ़ी इसके अलावा तुम्हें हिंदी हाँ टेढ़ी का लाइव का ही से गलाए रहा तू सबकी फसरे तू रड़के करी लिया जेड़ा भी करना है देख लिया यार जरा जट कर भाई पाई <laughs> से मुलाकात होगी फिर रामने सामने बात होगी फिर होगा क्या क्या पता क्या, क्या खबर तो करियर रोलिंग रोलिंग ही नहीं ये ये जाना है ये चल रहा है ओहो बड़ा भारी काम खराब की तरह तुसी यार नमस्ते मैं उपदेश और आप देख रहे हैं द हिमाचली पॉडकास्ट यह है हमारा एपिसोड नंबर पांच एपिसोड नंबर पांच के आज के हमारे गेस्ट हैं दिनु भाई और भागु भाई एक फिल्म आई थी बहुत साल पहले पहाड़ी फिल्म जी हाँ पहाड़ी फिल्में बनती थी पहले उसका नाम था उजीरा खापरा जो कि कुल्लु भाषा में कुल्लू की भाषा में ये शूट हुई थी बाद में इसको हिंदी में भी डब किया गया था और हिंदी का टाइटल था बुढ़ा पहाड़ का इस फिल्म की जान है दिनू भाई और भागुभाई मैं बात कर रहा हूँ सुपर हिट जोड़ी गोपाल शर्मा और राजेंद्र आचार्य जी की इनके गाने तो आप सब लोगों ने ज़रूर सुने होंगे नहीं सुने होंगे तो एक बार जाके ज़रूर सुनिएगा राग स्टूडियोज़ करके इनका यूट्यूब चैनल है वहाँ आपको इनके गाने मिल जाएंगे इस पॉडकास्ट में जब इस सुपर हिट जोड़ी से मैं मिला तो एक अलग ही अलग ही वाइब इन लोगों ने क्रिएट कर दी स्टूडियो में अलग ही से मेरा मतलब है बहुत ही पॉजिटिव वाइब ऐसा सूदिंग ऐसा काम और अलग ही माहौल इन्होंने यहाँ पे बना दिया था बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हुई है इन दोनों के साथ अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस इन्होंने शेयर किए हैं हमारे पॉडकास्ट के इस एपिसोड में तो ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा जल्दी से जाके आप हमारा एपिसोड देखिए और हाँ अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है उजीरा खापरा या बूढ़ा पहाड़ का तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए आपको मिल जाएगी और हाँ एक बात और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें वाह सर वाह आप तो इतनी अच्छी फ्लूट बजाते हो मैं आपके वीडियोस देखता हूँ उसमें मुझे लगता था कि शायद दृश्य के लिए ही फ्लूट है या फिर जैसे वायलिन या फिर आपका गिटार रहता है तो बहुत अच्छी फ्लूट बजाते हैं पहाड़ों का इंस्ट्रूमेंट है पहाड़ों पर तो खास करके फोक में तो फ्लूट का एक ज़रूरी स्थान है तो। क्या बात है क्या बात है कैसे हैं सर आप जी बहुत बढ़िया और आप कैसे हैं बहुत बढ़िया <laughs> दोनों को अलग अलग से पूछ ले <laughs> कि एक को ना लगे मेरे को नहीं पूछा यार हाँ हाँ सर कैसा लग रहा है आपको यहाँ के बहुत बढ़िया है बहुत अच्छी जगह है आपका स्टूडियो बहुत जबरदस्त है तब बागू और दिनू भाई चाय पीने की पानी <laughs> चाय तो चाहिए पर दूध पति लोड़ी तेज हाँ। पानी में सब परहेज और आपका क्या रिवॉर्ट आता है उस पर <laughs> ओ, पैती तो तेज़, रोज रोज मुझे, है, हमारे जी, उन्होंने मुझे ये वीडियो दिखाई बोले कि वो आ रहे हैं तो ये वाली ने देखी मैं यार ये तो नहीं देखा मैंने काम और फिर और हम क्या अभी ट्रेवल कर रहे हैं काफी दिनों से ना इधर उधर इधर उधर शूट पे जा रहे हैं तो गाड़ी में भी यकीन करेंगे आप गाड़ी में भी यही आपकी फिल्म हमने मतलब देखी है कभी कहीं कहीं देखी कभी कहीं देखी और एक बार जब कंप्लीट करी फिर उसके बाद तीन चार बार हमने देख ली है ये फिल्म अच्छा इसका नाम है उजीरा घरा और दूसरा उसका एक और टाइटल भी है बुढ़ा का ये फिल्म कैसे बनी आपकी कैसे क्या कहाँ से आइडिया आया और क्या इसके पीछे की स्टोरी है आइडिया आ गया यहीं से ही जहाँ से हम बैठे हुए तो बोलते खाली दिमाग जब होता तो कुछ ना कुछ आ ही जाता है तो कुछ आ गया पहले इसके जॉनी के दिमाग में आया कि बोलते कि हम कोई मूवी बना लेते हैं तो जिस पर मैंने इसको इनकार कर दिया कि मूवी हम नहीं बना सकते तो वो बोता हम अपने लोकल उसमें भाषा में बनाएंगे देसी में बनाएंगे तो मैं बोला यार छोड़ देसी फिल्म देखेगा कौन कौन देखेगा तेरी देसी फिल्म तो बंद कर दे अपना डब्बा और पैक हो जा फिर से बोला नहीं कॉमेडी में करते हैं फिर मैं अटक गया कॉमेडी का नाम सुनकर मैं हाँ कॉमेडी में किया जा सकता है तो उस वक्त मैं कहीं जा रहा था चंडीगढ़ किसी केस के सिलसिले में आप वकील हैं जी 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 तो तो वहाँ मेरे को जाना था पीजीआई कुछ डॉक्टर साहब से मिलना था कुछ केस था उसमें उनकी एविडेंस थी तो, तो मैं वापिस आके मिलता हूँ तो जब मैं वापिस आया तो फिर मैं इससे मिला तो उसने बोला कि हाँ ऐसा है कुछ दिमाग में आ रहा कि करते हैं बोला हाँ ठीक है करते हैं तो बोला हाँ, तो स्टोरी क्या है बोला स्टोरी फिर फिर हम बैठे साथ में फिर फिर करेक्टर्स कुछ इसके दिमाग में था चल रहा कि भाई ये दो तीन करैक्टर हैं इसमें रहेंगे इसमें तो बाकी फिर हम लिख देते हैं फिर चल तू लिख दे फिर जब मैं आया तो बोलता कि चलो चलते मेरा स्क्रिप्ट दिखा तो श्रीमान ने एक पेपर निकाला रफ पेपर उसमें कुछ दस बारह लाइनें लिखी हुई थी मैं मैं तुझे बोल रहा हूँ स्क्रिप्ट दिखा मुझे जो तूने बोले यही स्क्रिप्ट है दस बारह लाइन की स्क्रिप्ट हाँ पिट गए मेरा चल ठीक है अब घर से तो बोल के आए थे हम शूटिंग पर जा रहे हैं मैं चल देख लेते हैं वहाँ फिर मैंने इसको डायरेक्शन दे के आया था कि भाई तेरा जो कैमरा कैमरा मैन भी होगा जो मेकअप मैन होगा तो वो कुछ कुछ सब यूनिट तैयार कर दे मैं आ जाऊँगा मैं बोलो तेरा मेकअप मैन कहा बोला आ जाएगा चलते हैं जैसे तैसे हम अपने लोकेशन पर पहुंच गए वो हमारे एक दोस्त का घर था पुराना जाना विलेज में तो जब मैं इसको बोला मेरा तो तेरा मेकअप मैन तो आया नहीं बोला जी मेकअप मैन तो फिर ये बंगले झाँगने लग गया मेरे को लग गया पता कि ये मामला कुछ चलता ही है चलो कर लेते हैं खुद ही करना पड़ेगा फिर मैंने मेकअप करना शुरू कर दिया जो इसने करेक्टर इसने बताए थे कि ये तीन करैक्टर हैं तो फिर उसमें एक दो करेक्टर थे जिनका ज्यादा मेकअप करना था मेरा अपना करना था एक इसमें एक ड्रंकन पर्सन है प्याकड़ू राम उसका नाम है एक उसका करना था फिर एक वो हमारा नौकर होता नोखू नोखू राम तीनों के करने थे फिर इसका तो बिल्कुल हल्का सा था मेकअप अब जब सीन था कि बुढा अपने बिस्तर पर लेटा है ये सीन अगर हो जाए तो शुरू में ही मैं जाता हूँ दरवाजा खटखटाता हूँ भाई और डीनो भाई ओ कहाँ है यार पता नहीं था ओ कहाँ है भाई डीनो भाई भी है भी घर में कहाँ है कौन सा है नहीं कौन सा तू ओ मैं हूँ बागू बागचंद बोल रहा हूँ नहीं नहीं आ नहीं थी गोरा ना गोरा नहीं थी कहाँ है घर में नहीं है तो ओ मैं हूँ क्या हुआ कहीं ना मैं हूँ गया हुआ आ नोएडा गया हूँ मैं ओहो अच्छा है नहीं घर में गए मैं, मैं। अब बड़ा मुश्किल है भाई चलो कोई बात नहीं वो था कुछ काम मेरे को पैसे भेज रखे थे <laughs> किसने आ, वो मेरे को पैसे दिए हुए थे वो बुध राम ने दिए थे थोड़े से पैसे देने को आपको द्वार देने की बोला आपकी वापस क्या पैसे ओ नहीं नहीं यार घर में हूं मैं हैं अंदर आजा जा ओ हो पता लगे क्यों नहीं बता आता ओ मैं तो वो सोचा नहीं है तो रे तो कोई बात नहीं नहीं है तो रहने दो फिर मैं गया आ, ने ने आ जा, जा, ना ना यार आजा आजा अंदर हूं मैं ना अच्छा चलो तब ठीक है भाई तब आ जाता पहले क्यों नहीं बोला तूने पैसे देने हैं तो बस ये था जी इस तरह से ये फिर एक्चुअली मैं जब अब बैकअप किया तो जब फर्स्ट सीन हुआ तो तब पता चला कि हम मूवी मुझे अपने आप को लगा कि मैं इनफैक्ट कोई मूवी शूट हो रही है तो अब तो कुछ करना पड़ेगा कुछ बोलने को कुछ था ही नहीं वो ही लाइने थी कि बूढ़ा लेटा है अंदर बैठा है तो उससे पैसे मिलने आया है पैसे देने आया है उस पर एक गाना था स्टार्टिंग जब जो वो फिल्म स्टार्ट होती है वो किससे होती है आ, गाना होता है हेराऊ जीरा खापरा देखो बुढ़ा देखो बुढ़ा ये याद है आपको हाँ एक देखो बार भी याद करवा दीजिए देखो कर बुढ़ा ये पहाड़ का जलवे दिखाए दे चका चका हाँ ये ये एक्चुअली मैं इसको लोकल में किया था फिर हिंदी में डब किया था ना तो तब ये दो दिमाग में चल रहा हूँ काफी पहले किया था अभी याद नहीं चलो शुक्रिया आपने याद करवा दिया दो देखो बुढ़ा पहाड़ का जलबे दिखाए चका देखो बुढ़ा ये पहाड़ का जल में दिखाए चका चक बात किसी की ना मानता कुछ था आगे लाइने में मिस कर गया उस बहुत बहुत ही बहुत ही बढ़िया उसमें आपका एक बेटा होता है मैं बड़ा डिटेल में बात करने वाला हूँ बारे में क्यूँकी अभी ना तो दस दिन तो यही चल रही है हमारे यहाँ <laughs> बेटा होता है बेटे की जो आप क्लास लगाते हो है? हाँ क्या क्या चाहिए कितने पैसे, हाँ। बोले हाँ। पैसे हाँ। चाहिए बोले दस हजार रुपए चाहिए बोले मेरे को क्या के लिए हाँ। गर्ल फ्रेंड गर्ल हाँ, फ्रेंड

जो बेचारा झेल रहा था इन लोगों को तो रोज का काम है जी चाय जाए अब बैठ गए चूल्हे के पास थोड़ी देर के बाद मैंने तो मेरा अपना टाइम है चाय पानी भी पीना खाना भी खाना तो ये बैठे हैं है। अब फिर आतिथ्य सत्कार तो ना चाहते हुए करना पड़ रहा है तो वो रोज का काम है फिर पैसे उधार लेके जाते हैं कड़के हैं <laughs> इनके पास है ही कुछ नहीं फिर आके ऐसे चौड़े होके बैठ जाते हैं मेरे घर में मेरी मर्जी के खिलाफ कोई और मेरा इंडेप्टेड आदमी कर्ज से दबा तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं करता ऊपर से इनकी चटाइया चिता, घिस रही है घिस <laughs> रही है अब वो कोई बंदा आके बैठ रहा तो घिस तो जाएगी भाई राम वो तो है मेरे सदा का कर्जदार मेरे यारा आ, 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 जिन लोगों ने इसको अभी भी कुलवी में देखा है उनको वही बेस्ट लगती है कि यार वो क्योंकि कुलवी का इसका जो अपना मेन ऑरिजिनल वो है ना वो क्योंकि वो तो जब शूट हो रहा था उसी लैंग्वेज में शूट हुआ वो जैसे आपकी हॉलीवुड की मूवीज हिंदी में डब होके आती हैं तो जनरल पब्लिक तो एंटरटेन हो जाती हाँ। है मगर जो हॉलीवुड की मूवी असल में देखता है जिसको वो लैंग्वेज पता है वो उसी को प्रेफर मतलब आज की डेट में ऐसा है कि ऑल ओवर इंडिया आपको पता है कि कितनी डायलैक्ट्स जो है वो खत्म हो रही हैं ड्यू टू क्योंकि भाई अब मेन स्ट्रीम हिंदी आ रही है इंग्लिश में बच्चे पढ़ रहे हैं कुछ हो रहा है बट उन दिनों ऐसा हुआ था कि भाई बच्चों ने उस फिल्म को देख के घर में अपनी कुलवी भाषा में बात करनी शुरू कर दी बहुत बड़ी बात है तो पेरेंट्स आके हमें बताते थे यार हमारा बच्चा बोला आजकल कल बना कोई बागु बना। आने से पहले? भाई। वो अपना जो कैमरे के पीछे अनमोल भाई अगर घर में रिप्लाई कर दे कर दे वहीं से कर दे वो मैं नहीं घर में <laughs> में यार ये मतलब लिटरली पहाड़ी फिल्म तो हमने कहाँ ही देखी है बट ये चलो हमारे सामने आई और मज़ा आ गया देखे लिटरली

अपने आप में क्रिएट की हुई थी हाँ। कि अब कोई मौका मिले बुजुर्ग इसके पास जाने का नहीं तो वो आने नहीं देगा चाय पीने के लिए हाँ अब बुजुर्ग की एक दिक्कत थी कि एक लड़का वो कॉलेज में पढ़ रहा है वो भी गर्लफ्रेंड वाला हो गया है लड़कियां तो घर में कंवारी बैठी हैं वो उनकी भी ब्याह करना तो ऐसे ही जनरली होती है। यार मेरे गाँव में चलता है कि यार रिश्ते देख लेना भाई तुम कोई होगा डंगारिस्ता बुला देना था वो ये डंके के तो इसको कोई मिलता ही नहीं था वे डंगे रिश्ते लेकर वो बहाने लेकर वो आने का एक बहाना चाहिए तो फिर वो पहुंच जाते थे मियां एक तो शराबी को लेके आया चलो हाँ। <laughs> नहीं बहुत ही बड़ा आ, वो बड़ा अच्छा था हाँ, वो, वो 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 इरिटेटिंग था वो सीन मे, मेरे को मेरे को लगा था मैं आज पॉडकास्ट की शुरुआत उसी से करूंगा नमस्ते चढ़ बंदे फिर मैंने फिर, मैंने, फिर मैंने, मैं फिर मैंने सोचा मैं क्या पता चला मैं क्या दीनू भाई ने उठाया अपना डंडा मार दिया मेरे को मैं क्या भाई रहने दो देखो जी जब दर्द हद से गुजर जाता है ना तो कुछ इलाज तो करना ही पड़ता है वो वो इलाज फिर डंडे ने कर दिया टिपिकल मतलब गांव के जो बुजुर्ग होते हैं ना वैसे वाला अपने करेक्टर किया हुआ था वो जुलूस अपने बेटे का खुद ही निकाल दिया अभी आ तो तेरा जुलूस निकालता हूँ पूरे नहीं होता था पहले ना इन्होंने भी अपने बुजुर्गों को एक्चुअली इनके पिताजी को भी हमने भी देखा हुआ है तो उन्होंने बस उन उन्हों सबको ऑब्जर्व किया हुआ था तो बस मैं मेरा मेरा सौभाग्य ये रहा है अपने जीवन काल में कि मैं अपने बुजुर्गों से कनेक्टेड ज़्यादा रहा हूँ हम कुल्लू में और नगर हमारा गांव है तो नगर तो गांव था उस भगत की बात है तो ट्रांसपोर्टेशन के कम मीन्स थे थे बसेज तो थी मेरे टाइम में तो पिताजी ने अपने लाइफ टाइम में कुल्लू सिटी में भी एक घर बनाया तो क्योंकि कोर्ट में काम करते थे तो मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैं उनकी सेवक होता था माता जी वगैरह सब फैमिली नगर में होती थी मैं मेरे पिताजी और पिताजी के पास बहुत बुजुर्ग आते थे खुद भी एज ओल्ड थे टिपिकल करेक्टर थे वो भी तो उनसे मैं काफ़ी वो दूरी डरता था मतलब कि जैसे मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन मेरा एग्जैक्टली वैसा ही था फिर मैंने उनके पास वो बुजुर्ग आते थे उनका इंट्रैक्शन देखता था उनके बीच में उनकी सेवा करना चाय पानी रोटी लेना देना सब मेरा ही काम होता था तो फिर जब ये करेक्टर मुझे मिला करने को तो फिर वो करैक्टर मेरे अंदर स्वभाव था स्वाभाविक स्वाभाविक था वो आ ही गया खैर हमें भी इसकी उम्मीद नहीं थी ना तो हमने ये प्रोजेक्ट इस सोच से किया था जॉनी कि कि हम इसमें कोई ब्लॉकबस्टर निकालेंगे ये था कि मैं मेरे अपने पर्सनल माइंड में तो ये था कि चलो मूवी करते हैं अपने आप को देखते हैं कि हम कैसी एक्टिंग करते क्योंकि स्टेज पर तो एक्टिंग करता था मतलब मैं। मैं करते करते इम्प्रूवमेंट होती गई हाँ। जैसे, ना ना ना। हाँ, जैसे ये बैठ गए बुढ़े के गेटअप में आ गए बोला यार बुढ़े तो ऐसे भी करते हैं बार बार मारते हैं इधर उठाते हैं उधर उठाते हैं मैं भी करूँ वहाँ क्या करो और इन्होंने जो करना शुरू किया तो मेरे तो अपने डायलॉग्स भी भूलने लगे हंसी सुनने लगी बीच में आपने देखा भी होगा बीच में मैं हंसता ही रहता हूँ पूरी फिल्म में तो मुझे वो बोल रहा था कि इनका वाला ही वो रूप आ गया हुआ है मैं तो उस चक्कर में हंस रहा था मैं आपसे पूछने ही वाला था ये वाली चीज़ खैर आपने खुद ही उसको वो कर दिया कि ये आ, रियल लाइफ कैरेक्टर्स भी है वो हमने उनको करेक्टर्स को दे दिए दो चार सवाल और हैं इसी से रिलेटेड कि आपने जब ये शूट करी थी तो मैंने सुना था कि नॉर्मल जो कैमरा होता था उससे शूट हुई थी अच्छा क्या चैलेंजेस थे उस टाइम उसको शूट करने के यू नो कुछ भी नहीं जहाँ हम बोलते थे कैमरामैन को वो बेचारा खड़ा हो जाता था तू यार वहाँ से कर तो, तो उस टाइम के हिसाब से तो वही कैमरास थे वही कैमरास थे अवेलेबल ही वही था सामान इतना था पर आपने उस टाइम के हिसाब से बहुत बढ़िया काम किया मैं एक बट मेन चैलेंज ये कैमरामैन के लिए मेन चैलेंज ये था कि वो उसको उसको भी शूटिंग करते करते हंसी आ रही थी बीच में कई तो बार कई बार आपने मतलब शॉर्ट्स में भी कैमरा हिल रहा होता बीच में फिल्म का आइडिया कैसे आया आपके दिमाग में कि फिल्म ही करनी है उस टाइम सीरीज नई नई बन रही थी वीडियो सीरीज का जमाना आ गया था आ, कैमरे वगैरह अवेलेबल थे हमारे पास हम कुछ एक वीडियो सॉन्ग भी हमने शायद बना लिए थे तो फिर हमने सोचा कि कुछ डिफरेंट करते हैं एक आइडिया सा था ये माइंड में कि एक ओल्ड मैन होता है कुछ कैरेक्टर्स होते हैं फिर साथ बैठे तो वो ड, ड, डिवेल्प होते गए कैरेक्टर्स कि भाई ये कुछ ऐसा डायलॉग बोलता बोल सकता है वैसा तो हमें लगे कुछ चीज़ बन सकती है वैसे एक्सपेरिमेंटल तौर पर अब कर लिया वो और आप मानेंगे नहीं मैं कल तीन या चार दिन की छुट्टी मिली अरे नहीं नहीं तू गलत बोल रहा है मुझे याद है अच्छे से याद है फर्स्ट डे हम गए हमने मेकअप किया मेकअप था उस टाइम पर किया था आपने हमने खुद ही किया ना वो ही तो मैं तो बोल तो बता तो रहा था आपको किसको बोला मैंने मेकअप मैन को बोला तो मेकअप मैन इसको वो फिर रंग की शीशी वो कुछ वो वहीं से हमने लोगों से मंगाई वो उन्हें जो भेड़ की ऊन लेके गए मूछे बनाने के लिए <laughs> भेड़ की ऊन की हाँ जी हाँ हाँ तो वो जितनी भी है वो खुद बनाई अपने हाथों से तैयार किया फिर क्योंकि इसने भी बहुत से डिपार्टमेंट देखने थे कुछ करना था तो फिर मेकअप मैंने ही संभाल लिया जाते मेरे को गुस्सा भी था कि यार तू बोल रहा था मेकअप मैंने अब हट में खुद ही करता हूँ तो फिर मैंने अपना भी करना था जब अपना किया तो मेरा ठीक हो गया तो फिर बोला पियाकड़ू का करना भी तो आप ही कर लो इसको देख लिया इसने कि यहाँ कर रहे हैं तो चल चलो जी आप ही कर लेते वो तो पियाकड़ू भी यार फिर रात को हमने उस दिन ढाई बजे सोए अच्छा फिर मेकअप नहीं उतरा जब तक फिल्म खत्म नहीं हुई क्या बात कर रहे हो किसने करना वो बार बार मेकअप पेट <laughs> की उनकी मुझे। कमाल करते हैं बड़ी मुश्किल से तो बाप। तो चिपकाई गोंद लेकर वो बाप रे मगर इस इसको शायद याद नहीं ये एंड हाफ डे में पूरी मूवी शूट हो गई अरे बाप रे इस मेरी इस डायरेक्शन पर कि चलो अगर इसमें कुछ छूट जाता है क्योंकि घर की कुछ बंदिशे भी थी मेरे को कोर्ट भी जाना था तो इतना ही टाइम था तो उतने में कर लिया मैं बोला यार अगर कुछ बचता है तो फिर बाद में देख लेंगे तुम फिलहाल एडिट कर लो देख लो एडिट करने के बाद इसने मेरे को बताया कि एडिट हो गई है बोला क्या है मैंने देखी नहीं फिल्म बोला ओके okay, डन है मैं यार तेरी डन ऐसे ही होती है क्योंकि मेरा मेरे को मैं कुछ इसमें जरूर कमी होगी तू दिखा ना मेरे को वो कुछ नहीं मैंने तो प्रिंट आउट के लिए कर दिया जुगाड़ तो आप वो बस तो रिलीज ही हो गई है रिलीज कर रहे हैं अब उसको फिर रिलीज कर दिया हमने कैसे रिलीज कर दी सी बनाई उसकी सीडी, सीडी बनाई थी उस टाइम पे तो आ, सीडी, सीडी बनाई थी और डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट बस वही लोकल शॉप कीपर्स होते हैं सीडीज जो उनको या, या कुछ एक डीलर्स होते हैं उनको दे देते थे तो उस तरह से पहले कुल्लू में एक एरिया में डिस्ट्रीब्यूट की वहाँ पे जब पॉपुलर हुई तो फिर हमने सोचा इसको बाहर भी करते हैं फिर उसको डब किया वैसे हिंदी में करके फिर ऑल ओवर हिमाचल फिर तो सुनने में आया कि यहाँ केबल वगैरह में लगी रहती थी वो दिन दिन, दिन भर बिलासपुर में सोलन में सब जगह लगी रहती थी आपकी मूवी लगी है जी। काई, काई तक लगी रही अभी भी, चलती, अभी भी ये दिमांग, दिमांग में। और आई थिंक जिन्होंने वो एक बार तो जा, जाके जरूर देखेंगे हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो उसके बाद फिर आप लोगों ने कभी माइंड में ख्याल नहीं आया कि यार चलो यार फिल्म और बनाते हैं ख्याल नहीं आया हमने कर किया भी इस आईड इसको नंबर पार्ट टू को भी बनाने की कोशिश की हमने अच्छा पर हमारा फेलियर रहा कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे बन गए कि हमारा जो प्रोजेक्ट है ना वो आ, क्या नाम से ही गायब हो गया हमारे आ, जो स्टूडियो से ही

जो वर्कर्स होते थे या उनके फ्रेंड्स होते थे उन्होंने आके से पेन ड्राइव में वो चली जाती थी तो फिर वहां से डिस्करेज हो गए कि यार छोड़ो अब क्या करना उसके बाद टाइम नहीं मिला अब सोच रहे हैं कि उसको अब हम सीरीज में कन्वर्ट करें मतलब कंटिन्यू में क्योंकि उन करेक्टर्स के अंदर है कुछ जो वो

तो अपने ऊपर ही प्रेशर ले लेता है शायद ऐसा हाँ, होता है नहीं, नहीं ये, ये ये हर आदमी पर अप्लाई होता है तो लोग चे, आके चैलेंज करते थे कि भाई आप खुद इस चीज को दोबारा नहीं बना पाओगे <laughs> हमारे फ्रेंड सर्कल में कई बोल के जाते थे ये आपने बना दी चीज ये अब दोबारा नहीं बनेगी हाँ तो ये तो बन गई ना इसको बनाना भी नहीं है हमें इसको क्यों बनाना है हम कुछ और बनाएंगे ना एस, बढ़िया सा ऐसी कोई चीज आप दोबारा नहीं बना सकते उनका ये मतलब होता था चैलेंज करते थे कि बना के दिखाओ नहीं मुझे लगता है कि जब तक आप दोनों की जोड़ी एकदम ऐसी साथ में आया तो कुछ भी आप लोग बना सकते हो और कुछ भी आप लोग कर सकते हो ये तो बिल्कुल कर सकते हैं हिमाचली फिल्म क्यों नहीं बनती है लैंग्वेज एक बैरियर है बोलियों का हाँ वो भी एक एक कारण है करेंगे आने वाली जनरेशन जरूर करेगी मुझे दिखता है बहुत अच्छे टैलेंटेड ब्रेन्स हमारे पास हैं वो भी इसके बजाय थोड़ा डाइवर्जन आ गया एक ये सोशल मीडिया ने उस चीज को थोड़ा सा वो बोलते चुरा लिया कि वो पोटेंशियल उधर जा रहा है मुझे जो आपकी बातों से ये लगा कि जो शॉर्ट फॉर्मेट वाला जो कंटेंट है रील्स है थर्टी सेकेंड वन से, वन वाला जो टाइप है उस तरफ जो है ज्यादा झुकाव हो गया है रीजन बीइंग कि पॉपुलर एक भी रील वायरल होगी दो चार रील्स वायरल होगी तो <laughs>

मैं थोड़ी देर खड़ा मैंने देखा अपने बच्चों को देख रहा हूं बड़ों को देख रहा हूं बुजुर्गों को देख रहा हूं वो खड़े हैं कहीं भी चौराहे पर सड़क में बस में कहीं भी रील बन रही है कितना इजी इजी है है मूवी मूवी के के लिए इतना नहीं है। के लिए इतना नहीं आपके पास एक स्टाफ चाहिए सेट चाहिए सेटअप टेक्निकल स्टाफ चाहिए फाइनेंस चाहिए आइडिया चाहिए एक स्टोरी बहुत अच्छी चाहिए फिर कलाकार उस दर्जे के चाहिए कि उसको जस्टिफाई करे उस स्टोरी को एक्ट करे रिएक्ट करे सिंगिंग चाहिए बहुत कुछ है जी मूवी मेकिंग इज नॉट मतलब इजी थिंग मूवी मेकिंग इज नॉट अ इजी थिंग बट मैं जब ये चीज़ सुनता हूँ ठीक है मैं आपकी बात से अग्री करता हूँ बट जब मैं दूसरी तरफ देखता हूँ कि आप लोगों ने क्या था आप लोगों के पास हाँ <laughs> <laughs> क्या था आप लोगों के पास एक्चुअल में बताइए आप कुछ भी तो नहीं था बट आपके अंदर वो अंदर से शायद जिद थी या फिर अंदर से वो था कि नहीं करना है हम थोड़े जो रिसोर्स अलग है जी हाँ है। सॉरी शायद आप लग रहा होगा आपकी हमने अपने काम को एंजॉय किया हाँ। तो एंजॉय करते थे तो उस उस हम वहाँ कोई ऐसे कमाई करने नहीं गए थे कुछ ने वो शायद था ही नहीं हमारे माइंड हमारे माइंड में ये था कि हमने एंजॉय करना है दो तीन जाके एक एक्सपेरिमेंट करना है जो हमारे माइंड में है उसको अच्छे से सामने लाने की कोशिश करनी है और वो हो गया और चांस इतना सक्सेसफुल हुआ कि भाई बात मत आप दोनों की जोड़ी जो कि इतनी हिट जोड़ी है मतलब जब भी स्क्रीन पे आती है तो अलग ही अलग ही वाइब क्रिएट कर देती है बहुत ही पॉजिटिव वाइब सो जो आपकी जोड़ी है ये कैसे बनी जोड़ी रब ने मिलाई जोड़ी <laughs> अब इसके बाद वो आगे वाली लाइन तो मैं बोलूँगा नहीं तो लेकिन कोई था अब थोड़े रिलेशन में भी आते हैं एक ही लोकेलेटी के हैं ये म्यूजिक के लाइन में म्यूजिक क्षेत्र में ये बॉम्बे गया हुआ था कुछ सीखने की ललक थी इसमें और ये गया हुआ था ये जब वापिस आया तो आना तो नहीं था इसने पर शायद नियति को कुछ और मंजूर था इसको वापिस ले आया कुछ इसको प्रॉब्लम हो गई थी हेल्थ जोड़ी हाँ थी। थी। जोड़ी बननी वही सही बात है ये आया तो मेरे को कॉल आई इसके एल्डर ब्रदर की तो कि भाई ऐसे ऐसे जॉनी आया हुआ यार तू कुछ आ जा उसको गाइड कर मैं बोला यार मैं मैं को गाइड करने वाला कौन हूँ उसको को तो ए बी सी टी पता नहीं है नहीं नहीं यार तू तो थोड़ी पूरी सिंगिंग कर लेता मैं बोला यार नहीं मैं सिंगर भी इतना नहीं हूँ नहीं नहीं तो आ जाए एक बार उसने मेरे को कंपेल किया प्रेशर राइज किया तो मैं इनके गांव चला गया वहाँ इसने सेटअप लगाया हुआ था तो इसने बिठा दिया मुझे चेयर पर वो उस वक्त की बात है जब कंप्यूटर्स नए नए आए हुए थे गया मैं तो देखा मुझे लगा तो अजीब ही था तो वहाँ देखने को एक डेस्क था इसके पास एक कीबोर्ड था वो खाली कमरा था एक माइक पकड़ा दिया इसने बोला ऐसे कैसे होगा मैं दिमाग में कुछ और लेके चला था कि प्लेबैक सिंगिंग का तो कुछ <laughs> और सेटअप है बोला नहीं इसमें नहीं आप आप अपने दिमाग में क्या लेके चले थे कि भाई होगा कुछ इंस्ट्रूमेंट कुछ ऑर्केस्ट्रा बजाने वाले लेना देना तो वो कुछ भी नहीं होता था ना होता था ना जैसे कुछ ढोलक वाला भी चाहिए की बोर्ड वाला हारमोनियम वाला चलो की बोर्ड भी मेरे दिमाग में कम था हारमोनियम वाला जो कुछ भी है एक बात बोलूँ जो आप बात बता रहे हो ना ये मैं किसी इंटरव्यू में सुन रहा था आशा जी गई पहली बार रहमान सर के स्टूडियो में तो बोले मैं देख के चौंक गई एक बंदा बैठा हुआ है मतलब उनको रहमान सर बैठे हुए हैं एक कंप्यूटर सामने लगा पड़ा है एक कीबोर्ड साइड में है और बाकी कुछ नहीं हाँ, मुझे आदत ही नहीं थी ये सब मुझे हाल था क्योंकि मैं स्टेज करता था बचपन से ही स्टेज ऊपर वाले ने दिया था तो मुझे वहां कम से कम ढोलक बजाने वाला होता था तो उसके पास तो वो भी नहीं था तो चलो इसने वो मेरे हेडफोन लगा दिया उसमें आ गया म्यूजिक फिर उसमें वो वो सिंगिंग डिफरेंट है लाइव सिंगिंग से टोटली totally डिफरेंट है फिर उसमें रुकना है उस गैप में बीच में गाना है सिंगर के लिए थोड़ी सी एडजस्टमेंट हुई और सेम डे में इसने मेरे से पहला फोक सॉन्ग रिकॉर्ड कर दिया वो था हमारे लॉल एंड स्पीति का फोक सॉन्ग आप, आप, आप दो लाइनें गाएंगे उसकी कौन सा था वो तू बड़ी दिलदारा सहुआ तू बड़ी दिलदारा सह मामा झुमकुआ तो बड़ी दिलदारा सेला मामा आ, ना, 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 ना 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 बहुत बढ़िया बहुत आप सुनो इसको उस भगत में रिकॉर्ड हुआ था तो खुद को ही गाने में मज़ा आ गया सुनने अर्पित रिपीट कर करके अपने को सुना अपने को सुनता कौन है वैसे उसके बाद तो नहीं, बहुत कम सुना मैंने मगर वो क्योंकि कंप्यूटर की, की रिकॉर्डिंग थी मुझे लगा यार ये तो अच्छा है फिर बस वैसे वहाँ से हमारा मिलना शुरू हुआ फिर फिर लगा कि अब तो आना पड़ेगा यहाँ हाँ फिर, फिर उसके बाद फिर ये बिजी होते थे फिर मैं कुल्लू आ गया था आप तो रहते थे उस टाइम पे मनाली में वशिष्ठ गाँव में अपने फिर मैं कुल्लू शिफ्ट किया था स्टूडियो फिर हमने वहाँ पर जो मूवीज वगैरह बनी हमारी फिर वो वहाँ पर हमने कहा अच्छा थोड़ा सा पीछे जाते हैं अभी ठीक है ये दो मेन मेरे मेरे को एड्रेस कर रहे हैं सबसे पहले सर आप अपने थोड़े बारे में थोड़ा सा पहले बताना चाहेंगे थोड़ा सा विस्तार में बताना चाहेंगे जी 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 चलिए मैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के अंदर नगर गाँव एक आता है जी वही मेरी मेट्रिकुलेशन हुई ग्रेजुएशन करने के लिए मैं कुल्लू कॉलेज में आ गया कुल्लू कॉलेज में ग्रेजुएशन किया जी असल में मैंने संगीत की कोई शिक्षा ली नहीं है अच्छा हाँ ना ये प्रशिक्षण हमने नहीं लिया वही बात है कि वो जो भगवान की कृपा रही है या शायद मैं पूर्व जन्म में कोई कोई रहा होंगे कोई आत्मा ऐसी जो कुछ कर नहीं पाई और इस जन्म में भी कुछ नहीं कर पाई है तो चलिए एनी वे इस आत्मा ने कुछ नहीं किया होगा ना तो आ, फिर पता नहीं कौन सी आत्मा ने क्या किया होगा तो, तो वो लगता था हमारे टाइम में ड्रामाज होते थे चलचित्र मूवीज होती थी पर्दे पर आपने सुन रखा होगा आपने देखी तो नहीं होगी शायद हमने देखी है वो प्रदर्शनी में आती थी प्रमोशन करने के लिए मूवी धूल का फूल आ, पुरानी पुरानी फिल्में वो गांव में दिखाई जाती थी तो वो देखते थे और सिर्फ ड्रामास, ड्रामा आते थे हमारे फिर उन ड्रामास को देखे हम भी ड्रामास करते थे फिर कॉलेज में ये प्लेटफॉर्म मिलता है कोई एक्टिंग के वो कॉम्पिटिशन होते हैं सिंगिंग के वहाँ होते हैं तो फिर वहाँ हमारा नाम चला जाता है जी फिर यूनिवर्सिटी में आया यूनिवर्सिटी में भी HPU. हाँ एच पी यूनिवर्सिटी में वहाँ भी बहुत सुविधाएँ हैं तो वहाँ तो ऑडिटोरियम की फैसिलिटी थी फिर मैं ऑडिटोरियम में आ गया वहाँ मैंने कार्यक्रम किए फिर मेरी वापसी हुई आप जैसे सज्जन पुरुष मिलते थे कि कहते थे कि आप कुछ करिए आगे जाइए कुछ करिए शायद कुछ नज़र आता होगा पर मुझे तो कुछ इतना ज़्यादा अपने आप में नहीं नज़र आता था मैं अपने आप को साधारण आज भी मानता हूँ तब भी मानता था मैं हूँ भी मैंने बोला नहीं मैं वापस जाऊँगा कुल्लू मुझे अपनी साधारण ज़िंदगी अच्छी लगती चार दोस्तों के बीच में बैठता हूँ गीत गाता हूँ वो भी मेरे साथ गाते हैं तो बड़ा अच्छा टाइम पास होता है मैं नहीं जाऊँगा कहीं बॉम्बे या कहीं ऑडिशन में या कुछ लेना देना नहीं करूँगा नहीं था मेरे में वो चीज़ नहीं मैं मुझे कुछ हासिल शायद करना ही नहीं था मैं गया ही नहीं और फिर ये महाशय टकर गया अभी भी इसकी यही शिकायत रहती कि आप समय नहीं देते क्या <laughs> करें अब क्या करें हाँ <laughs> <अब क्या करें? laughs> बब... <laughs> मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा है कि मैं मेरा समय बहुत बहुत बहुत, बहुत चीजों में खर्च हो जाता है कोर्ट में अब कोर्ट का काम है मैं इतना बड़ा वकील तो नहीं हूँ पर एक प्रैक्टाइजिंग लॉयर जरूर हूँ कुछ जितने भी गिनती के केस हैं उनको हैंडल कर ही लेता हूँ ये कंप्लेंट आने नहीं देता हूँ अपने क्लाइंट्स को कि भाई आपने नहीं किया उसके लिए मैं इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट काम भी छोड़ देता हूँ बहुत से शोज छोड़ दिए हमने मैंने खासकर जॉनी तो काफी नाराज रहता था क्योंकि तो राजेंद्र थी 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 जी का निकनेम है जॉनी हाँ इनका निकनेम जॉनी है मेरे को तो गोपाल ही बोलते हैं जी ठीक है मैं अपना निकनेम आपको बताऊंगा नहीं होता सबका ही है तो श्रीमान जी फिर मुझे करना पड़ता है वो क्लाइंट्स का काम वहाँ एक रुपया फीस नहीं मिलती या हम पचास हज़ार का शो छोड़ देते हैं hmm. क्योंकि वहाँ जिम्मेवारी बड़ी है वो करता हूँ फिर उसके बाद परिवार है फिर परिवार के बाद समाज है दुख कोई नहीं है खुशी है क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ या हम दोनों जहाँ भी जाते हैं तो एक अच्छी सी वो क्रिएट हो ही जाती है चाहे वो रिकॉर्ड हो रही हो या ना हो रही हो क्योंकि आपकी वाई भी बहुत पॉजिटिव है आपका आप दोनों का ही हो है ना मतलब बहुत ही पॉजिटिव है मतलब वो जो भी मिलता है आपसे वो ऑब्जर्व कर लेता होगा जो, जो करने वाला होगा नहीं बहुत ही बढ़िया कभी ऐसा हुआ वकील साहब जज साहब ने बोला खाना सुना तो यार हुँ। हुँ। बहु, बहुत, बहुत क्या अक्सर <laughs> अक्सर होता मेरे साथ मेरे को तो जुडिशियल ऑफिसर्स ने सुजेशन भी दी हुई है कि यार आप यहाँ क्या कर रहे हो नहीं रियली ये कोई वो नहीं है कुल्लू की जुडिशरी मेरे बहुत करीब है जी बहुत रिस्पेक्टेड लोग हैं मैं अभी भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ रिस्पेक्टेबल है हमारी जुडिशरी और हिमाचल प्रदेश न्यायालय हाई कोर्ट्स में भी बहुत प्रोत्साहन मिलता है तो सर आप अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे क्योंकि ये बॉम्बे बॉम्बे वाली बात तो आ रही है बट अब वो बॉम्बे तक कैसे पहुँचना हुआ और फिर उसके बाद का संगीत की तरफ रुचि थी बचपन से ही हारमोनियम वगैरह खुद ही सीखा सीखा मैंने घर में तो ऐसे कोई सिखाने वाले थे पिताजी वगैरह थे उनको देख देख के सीख लिया थोड़ा पूरा फिर सिक्स में फिर जब सिक्स में स्कूल में गया तो जैसे मैं सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा से पढ़ा हूँ तो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल था जैसे तो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में गए फर्स्ट ईयर तो मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा रहा मतलब कि नाइन्टी एट परसेंट टॉपर रहा फिर उसके बाद जैसे जैसे टीचर्स को पता चल चलता गया कि भई ये इसका इस चीज़ में भी है रुझान है तो बस ये म्यूज़िक का ग्राफ चढ़ता गया पढ़ाई का ग्राफ उतरता गया प्लस टू तक तो ऐसे हो गया कि भाई पास कर लो किसी तरह से फिर प्लस टू हो गई तो फिर घर वालों को फिर मैंने कहा कि भाई मेरा तो इस इसी फील्ड में जाना था बोला नहीं नहीं अभी ग्रेजुएशन कर ले तो कि पहले तो ठीक है मैंने कहा ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो घर वालों के बोलने पर उनको लगा चलो अब अच्छे स्कूल में पढ़ा तो बीएससी कर ले तो शायद कहीं तब तक मूड बन जाएगा इसका कुछ जॉब करने का जॉब मैंने कहा मैं कोई जॉब वगैरह नहीं करनी है मुझे बॉम्बे जाना है इसके बाद और कुछ इस फील्ड में कुछ आगे करना है क्लैरिटी थी हाँ और क्लैरिटी कौन सी ईयर में गई थी आपको ये मुझे शायद नाइन्थ टेंथ के बाद से ही था कि भाई टेंथ मतलब सैन स्कूल का मेन वो होता है कि भाई आप एन डी ए वगैरह के एग्ज़ाम देने होते हैं तो मैंने वो दो तीन बार एग्जाम्स रिटर्न क्वालिफाई कर लिए थे बट इंटरव्यू में तीनों बार रह गया था तो जब वो हो गया तो उसके बाद फिर मैंने और कुछ सब छोड़ दिया मैंने कहा मैं जाऊँगा तो इस फील्ड में जाऊँगा प्लस टू के बाद मतलब फिर ग्रेजुएशन की ग्रेजुएशन के टाइम पर घर वालों का माइंड वाश करता रहा मैं जब भी घर जाता था कि भाई मुझे जाना है रिमाइंड करवाता देता था अगीन, 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 क्या रहे माइंड वॉश करता रहा उनका और उनको बता मतलब रिमाइंड करवाता रहा कि भाई मुझे जाना है प्लस टू जैसे ही हो जाएगी अपना ग्रेजुएशन जैसे ही हो जाएगी बस ग्रेजुएशन हो गई तो घर वालों को था कि अब तो रोक नहीं सकती इसको तो so, उन्होंने बस थोड़े पूरे जेब खर्चा दे दिया जा मतलब पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव थे फिर मतलब हाँ के. फैमिली का फुल सपोर्ट रहा है उसे ही अगर भाई हो बॉम्बे नाइनटीन मेरे ख्याल से ये नाइन्टी एट

<laughs> बुलाएंगे आप तो, आ रहे तो हाँ मैं हाँ बॉम्बे गया तो वहाँ एक रूम में जैसे स्टे किया तो वहाँ पे और भी आए हुए थे स्ट्रगलर्स थे कोई फोटोग्राफी कैमर, कैमरा कैमरा मैन फील्ड में था कोई एडिटिंग लाइन में आया होता दो तीन यूपी साइड के लड़के थे तो उनके साथ बैठा फिर सुबह निकल जाते थे अपने अपने काम की तलाश में अपनी फील्ड से रिलेटेड तो अपने फील्ड से रिलेटेड एकदम से काम मिलेगा का नहीं तो बट नहीं मिला उन दिनों में काम क्योंकि उन दिनों थे नहीं उस तरह के शायद तो कई और नहीं तो किसी स्टूडिस्ट में जान पहचान बना ली वहाँ जाके बैठ जाना थोड़ी देर तो एक महीने बाद ऐसा हुआ कि भाई जो दूसरे लड़के थे उनका तो बजट ख़त्म हो गया जो था लेकर आए थे जेब तो उनकी तो जेब खाली हो गई वो फिर एक महीने बाद उनको छोड़ने गया रेलवे स्टेशन तो उस दिन वहाँ ट्रेन में वहाँ बैठ के फिर मैंने सोचा यार ये तो अब तो मुझे भाई अगर बॉम्बे में टिकना तो जरूरी नहीं कि इसी फील्ड का काम कुछ भी काम ढूंढ पहले फिर कुछ ये मार्केटिंग वगैरह का काम देखा वहाँ पर थोड़े टाइम के लिए कोई अपना क्रेडिट कार्ड वगैरह की सेल्स होती थी बैंक्स की इस तरह का काम मिला कुछ तो उसमें फिर वो काम दिन को करता था फिर शाम को कहीं म्यूज़िक सीखने जाता था किसी के पास जो कीबोर्ड्स वगैरह सिखाते थे तो उनके पास जाता था इस तरह से कुछ एक महीने चलाए फिर कुछ एक महीनों बाद फिर एक स्टूडियो में मुझे जॉब मिल गया था कहीं पेपर में मैंने ऐड देखा तो बस फिर वहाँ पर दो तीन साल वो कंप्यूटराइज स्टूडियो वहाँ का पहला ही था शायद बॉम्बे का वो भी स्टूडियो का नाम क्या था उसका एक्सप्लोजिव साउंड स्टूडियो था वहाँ पर एक आप क्या करते थे वहाँ पे तो एक्सप्लोज़न एक्सप्लोजिव एक्सप्लोज़न करता था <laughs> yeah, <I appointed>. <laughs> <laughs> कैसे कैसे आपने वहाँ पे फिर तो फिर एक्चुअली मैंने कुछ कंप्यूटर्स वगैरह सीख रखा था यहाँ से कोर्स वगैरह थोड़ा पूरा करके गया था तो फिर उसको पता लगा जो उस वहाँ पे रिकॉर्डिस्ट था ओनर था तो उसने मुझे भी सिखाना शुरू किया धीरे धीरे फिर साल दो साल में वहाँ में सीख चुका था तो इन बिटवीन मेरा घर आना हो गया तो घर में मदर बीमार रहते थे अच्छा वो एक्चुअली चाहते नहीं थे कि मैं बॉम्बे जाऊँ बाकी तो पेरेंट्स सब ने सपोर्ट किया बट उनको मतलब भेज दिया था बट अपनी इच्छा के उनको इच्छा थी नहीं शायद वो तो बीमार भी रहते थे फिर ऐसा हो कि घर आ गया तो उसके बाद जैसे ही मैं वापस जाने लगता तो उनकी तबीयत तो फिर ख़राब हो जाती तो फिर थोड़े टाइम पाँच छः महीने वैसे निकल गए इन बीच बिन यहाँ पर हिमाचल में भी फोक म्यूज़िक का, का काम शुरू हो गया था कैसेट्स बननी शुरू हो गई थी उन दिनों तो एक दिन घर में बैठे थे कुछ कैसेट का काम उन्होंने माता जी ने लगाई हुई थी कैसेट तो सब लोग इन्जॉय कर रहे थे उसको तो उन्होंने कहा बेटा ये लोग भी तो अपना शौक पूरा कर रहे हैं भाई तो ये ये तो हिमाचल में रह गए कर रहे हैं तो तेरे की आदमी दूर जाने की जरूरत है मैंने कहा जरूरत तो नहीं है फिर मेरे को कंप्यूटर लेना पड़ेगा <laughs> बोला कितने का आता है मैंने कहा उस टाइम इतने मतलब चालीस पचास हजार का था बोला ठीक है ले ले <laughs> उनको ये था कि भाई जाए ना मुंबई मत ना बस फिर कंप्यूटर ले लिया तो बस वो फिर वाह मैंने एक खाली कमरे में लगा दिया और यूट्यूब वगैरह कुछ था नहीं तो वो बस वो हेल्प फाइल में जा जाके जा हिट एंड ट्रायल मेथड में देख देख के सीखते रहते थे रात रात भर बैठे रहते थे और उस तरह से वो शुरू किया काम फिर इन बिटवीन फिर हमने वहाँ से ही कुछ एक फोक कैसेट्स निकाली तो इनको मैंने सुना हुआ था पहले भाई साहब के साथ कई शादी के फंक्शन वगैरह में इन्जॉय करते थे साथ गाते थे अच्छा। तो मुझे लग रहा था किसी तरह से आ जाएं बस तो भाई साहब को कई बार बोला कि भाई आप भाई मेरे बोलने से तो आएंगे मतलब था नहीं ना, इनके साथ लिंक तो फिर भाई साहब को बोला तो उन्होंने बोला रहा, ऐसे तो वो आएगा आएगा नहीं मैं साहब थे भाई ऐसे थोड़ी आएंगे मैं कुछ टेक्निक बुलाता हूँ बोला मैं कुछ तो उन्होंने अपने हिसाब से इनको कुछ वो करके बुला लिया एक बार तो फिर मुलाकात हुई हमारी कौन सा सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं म्यूजिक प्रोड्यूस करने के लिए म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए एबल्टन यूज करता हूं मैं अच्छा आप एबल्टन यूजर हो एबल्टन करता हूं और उसको फाइनल मिक्सिंग के लिए क्यूबेस में शिफ्ट करता हूं अच्छा फ्लूट कब आपने बजाना स्टार्ट किया फ्लूट uh, भी शायद अभी एग्जैक्टली exactly तो याद नहीं है बट uh, सीखा हाँ नहीं बचपन से बजाता था थोड़े टाइम सीखा था कुछ सुना देंगे तो <laughs> क्यों गोपाल जी बिल्कुल कुछ uh, कुछ हो जाए केलाशो हो ऐसी जी जी वाह वाह <laughs> बहुत ही बड़े उन्होंने फ्लूट पे सुना दिया है आपका वेट है आप क्या गाएंगे कुछ तो गाएंगे अपनी बेस वाली वॉइस में हैवी वॉइस में हथा पांदी कड़ूलू वाला कहते ना हथा पांदी लूट कु देब को कछा पांदी घड़ूलू हो चल मुए नौड़ा पार जाना जिंद मेरी ये हो चल मुइए नौड़ पि जा नौड़ा पारी जाई के दिबको को गला बातां कीतिया हो प्यारा नजर नीओ जिंद मेरी ये, हो प्यारा, हो है प्यारा नजर नीओ शायद लिरिक्स ऊपर नीचे हो सकते हैं तर्ज ठीक ही है मुझे मुझे यकीन नहीं होता कि आपने सीखा नहीं है लिटरली बोल रहा हूँ जी जी क्योंकि जी। इतनी सुरों पे इतनी पकड़ और जो नजाकत है अलग ही लेवल पे जी 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 बस वो ऊपर वाला है ना आप कौन से आर्टिस्ट को सुनते थे नहीं हम तो पुराने उस टाइम तो पुराने बॉलीवुड ही सुनते गए मोस्टली जो पुराने सॉन्ग किशोर शोर कुमार के मना डे के बस वही सुनते सुनते बड़े हुए भाई साहब भी हमारे घर में म्यूजिक के शौकीन थे वो कैसे लाते रहते थे भाई साहब का नाम प्लीज बता दें बार बार अश्विनी आचार्य जी नाम है उनका तो वो गज़ल सुनते थे ग़ुलाम अली की तो वो बस उनकी जो चॉइसेस तो अपना तो हमारे पास कुछ था नहीं भाई कैसे ख़रीद सके ना पैसा होता था तो वो जो लाते थे बस वो सुनते जाते थे उससे वो हमारी बढ़ती गई शायद जो सुनने की आ, जो हमारा कलेक्शन थी वो अच्छी होती गई कहते हैं अच्छा म्यूज़िक बनाने के लिए अच्छा सुनना बहुत ज़रूरी है जी। तो जो म्यूज़िक का टेस्ट है बेसिकली वो जो डेवलप हुआ वो हुआ है अश्विनी जी आपके जो बड़े बड़े भाई हैं उनके वहां से वो डेवलप हुआ दे दे। बहुत ही बढ़िया प्लेबै सिंगर की बात कर रहे हैं आप ले कराम से Thank you. <coughs> वो जहां तो मेरे को याद है मेरी स्मृति में कि इनका नाम ये है वो मुकेश जी का गीत मैं गाता था बचपन में एक वो मेरे को थोड़ा याद भी था प्राइमरी क्लासेज में जब मैं था तो मेरे को वो गाता था <coughs> फिर तो किशोर जी को रफ़ी लता मंगेशकर जी की आवाज़ तो हृदय के अंदर बहुत डीप चली जाती थी तो फिर तलत महमूद हेमंत जी जितने भी ये लेजेंड्स रहे हैं हमारे इनको सुनने का सौभाग्य मिला माताजी भी मेरी अच्छा गीत गा लेती थी पिताजी भक्ति करते थे तो भक्ति करते हो वो कुछ रामचंद्र जी की स्तुति करते थे हनुमान चालीसा करते थे सूरों में करते थे तो सबको बिठा देते थे प्रोटोकॉल होता था बैठो अब पूजा हो रही है तो तुम बैठो अच्छा प्रोटोकॉल था ये पूरा जी 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 बिल्कुल जब वो बैठते थे पूजा में तो कभी जब जब हम नगर में होते थे तो, वो कुल्लू में होते थे तो सैटरडे को आते थे जब आते थे तो जब तक उनकी वो पूजा संध्या पूरी नहीं होती थी तब तक खाना नहीं मिलता था तो किसी को अलाउड भी नहीं होता था जाना तो जो भी घर में है तो वो परिवार का सदस्य वहाँ बैठता था तो गाते थे तो इंस्पायर्ड रहा हमें तो घर में हमारे मेरे बड़े ब्रदर हैं वो तो म्यूज़िक के अभी भी उनकी क्लासेस लेते हैं वो कॉलेज है उनका नाम कमलेश शर्मा जी हैं हेरिटेज आर्ट कॉलेज कुछ उनका म्यूज़िक कॉलेज नगर में चलता है जी अभी भी चलता है उनके पास बच्चे आते हैं बहुत ही डिवोशन से और डेडिकेशन से म्यूज़िक की वो दे रहे हैं वो शिक्षा तो पर उन लोगों का संगत मिलती थी घर में इंस्ट्रूमेंट पड़े रहते थे तो उठा लेता था बच्चा और अपनी मर्जी से बजा लेता था तो मुझे किसी से मिला नहीं मैं फिर ढोलक बजा लेता था तबला बजा लेता हूँ अंदर से आ जाती थी मुझे ढोलक सीखनी थी ढोलक में सीखते देखता था यार कौन था फिर अंदर से आवाज़ आई कि यार मुँह चलता था ढोलक मुँह से ताल निकलता था हाथ से नहीं बजता था फिर मुंह से बजा तो फिर मुंह के साथ साथ हाथ भी बिठा दिया एक दिन बैठ ही गया वो बड़ा खुश हुआ हाँ। आ, ताल बज गया जी आज फिर ऐसे जर्नी शुरू हुई तो देखिए आज यहाँ पहुंच गए मुकेश जी का वो कौन सा गाना था आपने जिक्र किया ना कि मुकेश जी का एक गाना था गाना था वो मेरे को बस गया तो वो कौन सा गाना था दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई काहे को दुनिया बनाई तूने काहे को दुनिया बनाई ये एक गीत था इसको मैं गाता था बचपन में गजल्स भी गाते है हाँ? ना गजलें तो बहुत सुनी हुई मैंने जी मेहंदी हसन साहब की कोई गजल <स्थित> दो लाइनें ज्यादा परेशान नहीं करेंगे मुझे है आपका गला ठीक नहीं है हाँ मैं उसे शोहरत कहूँ मैं उसे शोहरत कहूँ या अपनी रुसवाई कहूँ मुझसे पहले उस गली में मुझसे पहले उस गली में मेरे अफसाने गए गुजरासी बात पर बरसों के आराने गए लेकिन इतना तो हुआ कुछ लोग पहचाने <coughs> गए गोजरा सी बात पर फोक शेक की बात करते हैं अभी <laughs> फोक शेक जिसने बहुत कुछ शेक कर दिया इसकी स्टोरी प्लीज बताइए ना कोविड के टाइम हम लोग फ्री थे सभी बाहर नहीं निकल रहे थे बाहर नहीं निकल रहे बाहर का निकलना तो कोरोना है तो फिर फिर भी निकले हम नहीं फिर फिर जब जबरदस्ती बुलाना पड़ता था इस बार कैसे बुलाया आपने नहीं तो इस बार तो इन दिनों फ्री थे तो इन दिनों तो फिर ज्यादा ऐसा कुछ हुआ नहीं तो निकल गया तो कैसे हुआ हाँ मतलब कॉल तो फिर मैंने बताया भाई ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं हम तो इनको लगा कि हाँ, ये, में ये जो फोक शेक का आइडिया है ना जॉनी को भी याद है कि जब हम वशिष्ट में शुरू जा, शुरू में जब हाँ, स्टूडियो लगाया था दो हाँ तो तब जिक्र हुआ था जॉनी से उस टाइम पे हाँ, उस टाइम शुरू हुआ था पर हमारे पास सोर्सेज उतने अच्छे नहीं थे तो जॉनी को मैंने मैंने ही इसको ये बोला था कि यार अगर हम इस तरह से करते क्यों मैंने मेरे दिमाग में भी वो तब आया क्योंकि जब हम उसको प्रैक्टिकली किया हुआ था जब यूनिवर्सिटी में होते थे हॉस्टल हाँ। में तो आजाद परिंदे घूमते हैं तो वो परिंदे वहाँ फड़फड़ाते बहुत हैं तो बैठ के वो चौंक इधर कभी उधर वो चौंक में कुछ कुछ जाता है उनके अंदर तो फिर वो कोई एक पंछी चहचाह रहा कोई दूसरा तो कभी वो एक बोल रहा कोई ये बोल रहा तो वो सब वो हो जाता कोई अपना फोक बोल रहा है तो कोई उसमें भी, भी बोल रहा है। हम करते थे ये कॉन्टीन्यूस उसमें करते थे कि भाई घंटों मतलब आवर्स टुगेदर वो एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट चलता रहता था महफिल जिसको बोलते हम वो चलता रहता था उसमें ये भी चलता वो भी चलता वो जोड़ के एक ताल पर अच्छा चल रहा तो उसी उसी ताल के वो कभी हिंदी आ रहा कभी वो फोक आ रहा तो वो इस तरह से वो चलता था और उपदेश जी फिर वो शायद इसके दिमाग के किसी कोने में बात थी मैंने इसको उस वक्त भी बोला बोला ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो शायद इनके पास सॉफ्टवेयर ही उस टाइम तो ऐसा था ना कि उस टाइम तो सिर्फ फोक पे ही काम कर सकते थे कैसेट्स बेचनी होती थी तो हम कैसेट्स में अगर हिंदी गाने डाल देते बीच में तो कुल्लू के लोगों को लगता कि ये क्या ये तो कुछ अलग ठीक नहीं हो रहा भाई छेड़छाड़ हो रही है कुछ हो रहा है बट आज की डेट में इसने कुछ नहीं होना शुरू हो चुका था तो हमें भी लगे कि यार, हमारे की रीच बढ़ सकती है ठीक है कुल्लू के लोग नहीं सुनेंगे तो हम ऑल ओवर हिमाचल के गानों मिक्स करेंगे तो हिमाचल में सुनेंगे उससे ऑल ओवर इंडिया भी सुन सकते हैं लोग तो बुला लेता जब भी इसके दिमाग में क्योंकि ये होल टाइम बैठा हुआ है उस पर सोचने के लिए इसके पास एक जॉब है तो इसके पास जब नया आइडिया आया था तो मेरे को जरूर बोलता कि मामटी ये मेरे दिमाग में चल रहा है तो इस पर एक सेकंड हां क्या बोलते हैं मामटी मतलब जो हमारा जो लोकल वो बनता मामा लगता हूं इसका रिलेशन में अच्छा जी रिलेशन में मामा तो वैसे ही फिर वो मामटी मामा से माम मामा भांजा है की जोड़ी है जी रामलीला की जोड़ी तो इसने बुलाया कि ऐसा ऐसा है तो तो वो कर लेते हैं मेरा यार ये भी आइडिया अच्छा है तो मेरे इससे फिर तो ये हमारे फोक को भी एक फ्लाइट मिल जाएगी बोलता तो हाँ वो तो मिलेगी मिलेगी हम कर लेते हैं यार इसमें तो हमारा है भाई ये तो हम कर सकते मतलब ये भी वैसे जैसे उजरे खापरा हुआ था ना तो कि भाई बिना कुछ सोचे से ज़्यादा से एक एक एक्सपेरिमेंटल बेस पे हमने कर दिया एक एक बार और वैसे इसको शूट करके डाल दिया वह नेट पे तो उसके बाद हमारा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि भाई ये ऐसा कुछ हो जाएगा या कोई या कुछ माइलस्टोन बन जाएगा कुछ बन जाएगा थोड़ा यूट्यूब <laughs> भी चैनल निकाल रखा था उसी वक्त निकाला था ना हाँ YouTube का चैनल तो आपका बन चुका था हाँ बन चुका था, था तो उसके लिए भी तो कुछ चाहिए था कुछ ऐसा तो चलो वहाँ भी कंटेंट डाल देते हैं तो देख लेते हैं अपना चैनल भी कुछ शायद थोड़ा पूरा चल पड़ेगा थोड़ा पूरा तो ऊपर <laughs> वाले को कुछ मंजूर और था उसने धक्का जोर का ही मार दिया ऐसा धक्का हाँ। गया हाँ बिल्कुल चलिए तो। रियलाइज हुआ बहुत बड़ा बन गया है। तो वो लगभग महीने दो महीने बादचुअली फिर फ्रेंड सर्कल में लोगों के रिएक्शन आने शुरू हो जाते हैं तो कईयों के फोन आने शुरू हो गए फ्रेंड्स के भाई ऐसा सा बहुत अच्छा गाना बनाया ये है वो है तो अपने आप <laughs> आप दोनों की जोड़ी जब यू you नो know, जब कैमरे पे आई ना ये गाने के उसमें तो बहुत ही यूनिक थी मतलब मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस ये था कि ये ये मतलब कौन हिमाचल कुल्लू भाई साहब कि क्या कर दिया अलग ही लेवल पे आ, इवन हमारे कुल्लू में कई लोग वो हो गए कि यार चलो पहले तो देखा था इनको बुढ्ढों के गेटअप में तो देखा था ये लोग तो ये दूसरे अवतार में आ गए cool मतलब... कुछ वो थड़क बड़क वाला सीन है नहीं उससे हम थोड़ा सा दूर रहना चाहते हैं जब दिखता है ना कि मेहनत है इतनी सारी ठीक है वो इतना कोई प्लानिंग नहीं थी कि यार तो क्या अंदर से क्या चल रहा था उस टाइम पे भाई ये तो बड़ा हो गया काफी बड़ा हो गया क्या रिएक्शन था नहीं होता एक्चुअली में क्या है कि उपदेश जी हम थोड़े परिपक्व हो गए हैं तो इतनी आसानी से हम धरातल छोड़ने वाले नहीं है पता है कि ये जो कुछ भी है टेम्परेरी है और लोगों का अगर अच्छा लगेगा तो अच्छा ही बोलेंगे शायद अच्छा किया हमने तो ठीक है कुछ और इस पर कुछ और ऐड कर दे फिर फोक्स एक टू की तरफ बढ़े ग्रुप आप एक बना देते हो ऐसा ग्रुप बना देते हो ऐसा प्लेटफॉर्म सेट कर देते हो इनके लिए फिर ये आते हैं और अपना पूरा रॉकस्टार बन के अपना काम करके चले जाते हैं हाँ वो एक्चुअली रखना पड़ता थोड़ा सा फोक टच भी रहे और थोड़ा सा वेस्टर्न भी रहे तो फोक शेख 1 का अगर कुछ हो जाए दो चार गाने तो मतलब क्यों नहीं क्यों दे? बीट बीट लगाएंगे वो आपने रखिए बीट लगाइए इन्होंने या। बीट ल... या बीट कर दीजिए ठीक <laughs> <laughs> है जी फोक 1 दो चार कुछ एक हमारे पास तो टाइम आ, है अब जितना आ, दो चार पाँच छः सात आठ करना चाहें नहीं नहीं हमारे तो <laughs> फिर बहुत लंबे चलते हैं <laughs> तो आप आराम से कीजिए <laughs> पॉडकास्ट का मतलब यही है <laughs> तो ये कुल्लू का एक पुराना गाना था बहुत पहले भी हमने कैसेट में यूज किया था उसमें था एक्चुअली में ठंडे पानी रहने वाला वो नू है तो इनको लगा ये नूरी की जगह तो बदल देता हूँ इसके वो जो सेटअप में थोड़ा बदलाव ये है ईंट नहीं ये पत्थर नहीं ये हटा ये ये वाला लगा इसमें तो भी ये अच्छे से मान लेता है इस चीज को उसको पता है करेगा कुछ गड़बड़ ेरी सूर है ठंडे पानी नाला लो पानी रे नाला सूरिए ठंडे पानी नाला लो उड़ धूप है सूर हाँ तेरी भाड़ा लो तेरी भाड़ा बैठा लो सूर हाँ बैठा तेरी लो ओ शोभली तेरी गे सूरता हेरी हुआ हम हाँ ताला लो हो शोभली तेरी गे सूरता हेरी हुआ हाँ ये मताला हो गया तेरा ये भी मेरे को ये मताला है इसको बंद ही कर दो सर आप इसको बंद ही कर दो चलिए चलिए इसको नेचुरल रखते हैं ये फन हो गया हाँ ये इसको ऐसे रखेंगे हम कट नहीं करेंगे आप हाँ अच्छा। राइट सर राइट स्टार्टिंग फ्लूट फ्लूट नॉर्मल बचेगा अपना शोभली तेरी के सूरता हेरी

तेरे दो नयन चोर नहीं सजन तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन जाने मन जाने, मन जाने मन जाने मन जाने मन क्या बात है क्या बात है अलग ही अलग ही है आपका स्टाइल सर मजा आ रहा है थैंक यू थैंक यू थैंक यू साथ आ चुके हैं आठवां अवेटेड है अब दस तक का सोच रखा है अच्छा टेन करने हैं हाँ एक टेन नंबर तो आना चाहिए कोशिश करेंगे ऊपर वाले को जो मंजूर होगा तो एक गाना बहुत चला था बीच में कौन था जो आज फिर से उन आज उनसे इंस्टाग्राम पे बहुत चला है हाँ हाँ हाँ। तो अगर आप इसको नहीं गाएंगे ना तो हमारी ऑडियंस को अच्छा नहीं लगेगा अच्छा। है ना ऑडियंस जरूर जरूर और इसकी दो लाइनें नहीं हम इसकी सुनेंगे चार लाइनें मैं चार नहीं आपको साढ़े सुनाऊंगा ये साढ़े सुनाएंगे वाह वाह पूरा लिख रखा है एक सेकेंड पूरा लिख रखा है ना ये देखिए एकदम पूरा साथ में चलता है इनका इतना कुछ मैं याद रख नहीं पाता हूँ हाँ। आज, आज उनसे पहली मुलाकात हो गया इसी को शुरू करना आपने बिछाए हर हरे पे सोचते होंगे साजन आए बैठे होंगे रस्ते पे वो बिछाए हर आठ पे सोचते होंगे साजन आए क्या हाल होगा वहां कुछ ना पूछो दिल में उमंगों की बारात होगी फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर आज उनसे पहली मुलाकात होगी फिर रामने सामने बात होगी फिर होगा, थिर, <Intihte rescate the appetizer> क्या, होगा क्या, क्या क्या पता क्या खबर फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर अंधे खान जाना मुखड़ा कैसा होगा ना जाने वो चांद सा टुकड़ा कैसा होगा अंधे खान जाना मुखड़ा कैसा होगा ना जाने वो चांद सा टुकड़ा कैसा होगा मिलते ही उनसे नजर हाय दिल में एक सी दिन रात होगी फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर <दुख़ी> फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर आज उनसे पहली मुलाकात होगी फिर आमने सामने बात होगी फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर <दुख> फिर होगा क्या क्या पता क्या <कक्ष़ी> <ख़बल, थिर क्ष़ी> क्या खबर जब आपने सुबह आना था तो हमारे भी माइंड में ये चल रहा था कि आज उनसे पहली मुलाकात होगी फिर हो, होगा क्या 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 बता पता और जी, क्या खबर बहुत ही बढ़िया सर सर आप माइंड ना करें तो आप अपनी एज बता सकते हैं देखो जी एज mind तो <laughs> मेरे को भी पता नहीं मेरी क्या एज है मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा इस जन्म में मैं 52 कंप्लीट कर चुका हूँ। अच्छा जी 52 आपकी एज है अभी right, 52 की एज पे ना मैं जब आपको मैंने अभी लाइव सुना ना ये और जब आप हाई नोट्स ले रहे थे ना बीच-बीच में हल्की-हल्की यूडलिंग भी कर रहे थे ओहो मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने मतलब क्या सुना है अभी लिटरली बहुत ही बहुत ही बढ़िया अलग सर अलग ऐसा तो चलिए ये बहुत बड़े वचन है मेरे लिए क्योंकि क्या है ना आज की डेट में ठीक है सिंगर हैं उनके गाने भी हिट हैं बहुत चलते हैं बट जब उनको लाइव सुनो तो वो फिर ऐसा लगता है अरे यार वहाँ तो कुछ और ही चल रहा था ये ऐसा था जो मैंने वहाँ सुना और ये सुना ना यार बहुत ही बढ़िया और जिस तरीके से राजेंद्र जी फिर अपना

इतनी गच लगता है फिर उनको मैंने जब सुना ना क्या यू <laughs> नो <laughs> you know, आपकी पर्सनैलिटी को देखते हुए आपने जो वर्ड की सिलेक्शन करी है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो बहुत ही मजा आया गच हेरिया ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ دیਵਾਨਾ ਜੂਰੀ ਰਗ ਚ ਨੋਚਣਾ ਜੂਰੀ ਰਗ ਚ ਨੋਚਣਾ ਨਾਚੀ ਰੀਆ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ دیਵਾਨਾ ਜੂਰੀ ਰਗ ਚ ਨੋਚਣਾ

बहुत बड़ी लाइन है कि ये किंग मेकर है हैं भाई राजाओं को बनाते हैं जी आ, खुद राजा क्या बन के क्या करेंगे तो इनकी बहुत बड़ी भूमिका है आप बताइए जरा इन्होंने क्या 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 किया आपको कौन क्या आपको कौन कौन से लगता है देखिए मैं तो इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन यही समझता हूँ कि फोक के लिए इसने बहुत बड़ा काम किया हुआ है थ्रू आउट हिज लाइफ थ्रू आउट हिमाचल ही माचली, मुझे लगता है कि इसके पास लोग आते हैं अभी भी हर फील्ड में जैसे जिस फील्ड का ये मास्टर है तो इसको अच्छे से बांटता है उनको गाइड करता है प्रॉपरली उनको देता है उनको हेल्प करता है नॉर्मली ये प्रैक्टिस बहुत कम लोग करते हैं क्योंकि क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है ये चीज़ उसको देंगे तो फिर हम क्या करेंगे वो मेरे से आगे निकल जाएगा कुछ सोच ऐसी है आज की आज की डेट दे, में सब लोगों की मैक्सिमम लोगों की तो उससे ये अपवाद है तो उसमें मैंने इसको अप्रिशिएट भी करता हूँ और ये करता है उस चीज़ को और लोगों को बच्चों को बहुत कुछ दिया वो लोग जो गा भी नहीं सकते थे अच्छे से उनको भी नंबर निकाल के दिए हैं उनकी भी इच्छाएं पूरी की हैं उनका भी मान रखा समान रखा गाइड किया है तो और क्या हो किसी एक दिल को भी आप खुश कर पाएं अपने लाइफ में तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है तो, तो, तो काफ़ी लोगों को चढ़ाया है ठीक है जी इनके जुके। 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 <laughs> देगा आपने अच्छा चलो ठीक है हम आपकी तारीफ नहीं करेंगे गोपाल जी के अलावा और किस आर्टिस्ट के साथ काम करने में आपको बहुत मजा आया नहीं चलो आर्टिस्ट तो सभी मज़ा तो क्या उनके साथ तो वही होता है कि भाई उनके साथ तो सिर्फ स्टूडियो के ही तक ही होता है जो भी आधा घंटा एक घंटा में वो गा के जाते हैं नहीं पर्सनल तो मैं समझ गया आप लोगों का अलग ही है वो अटूट है वो बट मतलब काम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बोल रहा हूँ कि नहीं यार मज़ा आ गया क्या काम किया ऐसा कोई हाँ नहीं वो तो कई कह, फोक में जिनका अपना एक एक पर्टिकुलर वो है कि भाई एक टिपिकल सी वॉइस होगी कि, कि एक फील्ड में ही जैसे नरेंद्र ठाकुर हैं हमारे कुल्लू के धर्मेंद्र शर्मा जी हैं और ये संजीव दीक्षित जी ये भी हमें काफी पहले कुल्लू आए थे एक बार तो गाना रिकॉर्डिंग की थी इन्होंने तो इन सब का मतलब जो है अपनी फील्ड में मास्टर उनका तो है ही है डिप्लोमेटिक है आप बिल्कुल हाँ। <laughs> <laughs> आप नहीं लेंगे नाम ना, ना आप वो करेंगे आप बिल्कुल वो चलेंगे इस मामले में सब अच्छे हैं सब बढ़िया है सब सही है नहीं ठीक है अरे तीन बार एनडीए इन्होंने क्रैक किया है जी आगे बंसरी वाला चुननी चाहिए था उनको उनको फौजी चाहिए तो बोला भाई तू ऐसा कर तू म्यूजिक बना ले जाके अरे ये क्या स्टोरी थी नहीं नहीं वो तो मैं शायद पहले जिक्र भी किया था कि जब सैनिक स्कूल में पढ़ा हूँ तो प्लस टू वहाँ उसमें तो ट्रेनिंग इस तरह की होती है तो एनडीए का जो रिटर्न एग्जाम है वो तीन बार मैंने क्वालिफाई कर चुका था बट इंटरव्यू में रह गया था

ऐसे भी रखने चाहिए एक दो कि जहाँ वो गोलियों वाले कुछ नहीं कर सकते वहाँ ये बंसरी वाले बड़ा कुछ कर सकते हैं चल रही बंसरी बोल रहे हो गए वो भी है लगी नाटी वाले जी 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 जी, जी बहुत ही बढ़िया साथ में शोस करने कब स्टार्ट हुए जब से लोगों ने बुलाना शुरू किया हमारे को शुरू से ये तो जब मूवी बन गई थी हमारी ना उस टाइम से साथ में नहीं उससे भी पहले हमने साथ किए शो मूवी के पहले भी किए थे क्योंकि हमारे कुछ म्यूजिक नंबर आ गए थे लोकेलिटी में करते रहते थे विलेज में इनके विलेज में मेरे विलेज में जानते थे वो लोग हमको क्योंकि वहीं तो परवरिश हुई वहीं पले बड़े कि गाते बजाते बचपन से ही मैं आपको बता रहा हूँ स्टेज पर थे फिर जब ये मूवी आई फिर एक दौर हमारी लाइफ में आया कि फिर आर्ट के बेस पर हमारे को बोला था हमने शिमला तक ऊपर

है ना कुछ एक वो उनको छा भी नहीं लगता था शायद उन वो कुछ और एक्सपेक्ट करते थे कुछ होते हैं ऐसे भी जो लाइव में बैठे हुए पड़ा यार तो तो हमारा तो काम होता था कि भाई जिन लोगों ने करना है इसके लिए बुलाया है तो करके आते थे तो तब से ये चल ही रहा है आज तक चल ही रहा है इवन हम कोई गाना भी जब रिलीज करते हैं तो मान लो अब सारे कमेंट तो उसमें अच्छे आएंगे नहीं, नहीं।, नहीं। सौ कमेंट आएंगे तो बीच में दो तीन ऐसे भी होते हैं यार क्या बना दिया ये वो <laughs> तो रहता ही है देखो कोई तो चीज है अगर आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं तो कुछ विरोधी भी होंगे कुछ आ, को समझ में नहीं आएगा वो चीज़ तो रहेगी रहेगी मैं वापस आता हूँ उसी क्वेश्चन पे कभी ऐसा नहीं कि कोई गाना वाना रिकॉर्ड किया और रखा हो मतलब रख क्या नहीं यार थोड़ा थोड़ा तो थो ठीक लग रहा थोड़ा तो ठीक गा लिया मैंने काफ़ी पहले किया था किसी लाहौल की कैसेट में कोई गाया था तो गा, गाने थे एक तो गा, गाने गाए भी थे तो उनको लगा कि उस टाइम तो मैं काफ़ी यंग ही था मेरे को पच्चीस छब्बीस साल का उनका तो उनको लगा कि किसी बुजुर्ग ने गाए हुए गाने वो ऐसा आवाज़ बैठ थी मतलब अच्छी लगी उनको ऐसा कुछ नहीं था कि भाई उस सेंस में नहीं कि उनको लगा किसी मेच्योर पर्सन ने गाने गाए हुए हैं तो दो ना प्लीज आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कोई दो चार लाइने किसी और, भी क्या? और क्या और क्या हो जाए देख गोपाल जी ने बोल दिया ये तो काफी पहले फिर चलो तो वही गाना सुनाता था जो मैंने कैसे लाहौल की कैसे में गाना गाया था अच्छा मन मोजियो मैं मन मोजियो मन मोजियो मैं मन मोजियो मान मोजियो मेहता तमान मोजियो मानियो जियो मेहता तमान मोजियो माँ जो ता सारी दुनिया रंगा, oh था सारी दुनियाए किरंगाओ मेहता तमान मोजियो मेरे लिए तो सारी दुनियाए मेहता oh मैं तमान वाह 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 सर आप तो बढ़िया गाते हो एकदम नहीं नहीं एकदम एक बढ़िया तो नहीं है पर चलो <laughs> दो दम बढ़िया जी <laughs> एकदम कैसे बोल दिया आपने ये दो दम बढ़िया गाने वाले सर दो दम बढ़िया गाते ये बिल्कुल <laughs> तो। तालियां तालियां भाई तालियां <laughs> तो आ, ये तो लाहौल की लैंग्वेज है ये क्योंकि ये तो बहुत मतलब ऐसा रहा मैं इजिली उसको रीड कर पा रहा था आ, नहीं लाहौल का बाया लाहौल आई है ना जी <laughs> उधर से होके है तो इनको शायद वो है ऐसे ही कुछ नहीं लाहौल में ऐसा होता है कि वहाँ वहाँ का भी कुछ जो एक डायलॉक्ट है डायलैक्ट है वो शायद भोटी लैंग्वेज कहते हैं वो तो हम लोग नहीं समझ पाते आ, हैं वो तो अलग ही हाँ कुछ एक वहाँ पर जो चंबा से कुछ लैंग्वेज वो इम्पोर्ट हुए कुछ एक सॉन्ग्स इम्पोर्ट हुए एक्चुअली में वहाँ पर ना होता ही आपको जो ऑल ओवर हिमाचल में गाने एक जगह से पहले गद्दी लोग गाते थे एक जगह से दूसरी जगह पे जाके गाते थे तो वैसे वो लोग इस तरह के गाने तो उनको जो वहां का म्यूजिक वहां का है बट सॉन्ग जो लिरिक्स चाहिए वो थोड़ा हिंदी टच है टच है, है, तो उस तरह से है, उस तरह का गाना सबसे बेस्ट आप तो नहीं बताएंगे मुझे पता है सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको अभी तक आपकी ओवरऑल जोड़ी के ऊपर मिलाओ हो। आप तो दे रहे हैं अभी <laughs> अरे भाई बात बहुत कृतज्ञ हुए हम आपके और आ... <laughs> ये तो ये, सु, ये सुपर डिप्लोमेसी होगी समझ रहे हो ये वकील साहब ने जो है ना अभी ये लगाएगी ये देखो बुढ़ाड़ जल में दिखाए नहीं नहीं मैं सच बोल रहा हूँ कुल्लू से हो आप दोनों ठीक है तो कुल्लू की स्पेशलिटी क्या है कुल्लू के बारे में दो चार अच्छी लाइनें आप बताएं जरा कुल्लू के बारे में सबसे बड़ी बात तो कुल्लू मेरे लिए हम सब के लिए जो कुल्लू वाले हैं उनके लिए कहवन है लोग अच्छे हैं मिलनसार एक दूसरे के हमारी जनरेशन तक आगे का मैं नहीं बता सकता क्योंकि इनका माइंड सेट कुछ और है आ, बच्चों का पर कोशिश हम जरूर करते हैं कि बच्चों अपने वैल्यूज़ को समझो अपने जो देखो अपने फोरफादर्स को अपने समाज को देखो कनेक्ट रहो इनकी कनेक्टिविटी थोड़ी सी डिफरेंट है देट इज़ ऑल ड्यू टू मतलब कि जो आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ तो ये चीज़ें हैं फिर खाना है कुल्लू का परिधान है कुल्लू का कुल्लू की बोली बहुत मीठी है कुल्लू का हास परिहास अद्भुत है लोग बहुत लाइवली है वहाँ के बहुत बागपट्टू है बहुत गुणी लोग कुल्लू में रहते हैं और देवभूमि है आ, जहाँ चार कदम के बाद जाए भगवान बैठे हैं कोई ऋषि मुनि बैठे हैं नाग बैठे हैं यक्ष किन्नर गंधर्व धर्म जितने ही मिलते हैं तो जो धर्म का इच्छुक जिज्ञासु है उसको सब है वहाँ जो कर्म का जिज्ञासु है उसके लिए वो भी है जो माया मो लोभ जो जितने जिसके सब्जेक्ट्स हैं वो सब मिल जाते हैं कुल्लू में जी आप आइए तो सही कुल्लू वापसी मुश्किल है <laughs> नहीं ये बात तो देखिए मैंने कि हमारे मेरे फ्रेंड सर्कल में कई जिनकी मान लो ट्रांसफ़र हो जाती है कुल्लू तो मैक्सिमम वहीं सेटल हो जाते हैं अच्छा कोई जाके होगा कोई सौ में से एक आध दो वापिस आता होगा घर को वो वही सेटल हो जाते हैं वहीं पे जमीन वगैरह लेके वहीं घर बना लेंगे वहीं सेटल हो जाएंगे कुल्लू के हास परिहास की आप बात कर रहे थे कुछ लोकल डायलैक्ट में कुछ कुछ हास परिहास हमारी जो लोकल की बात कर रहे हैं ना आप उसमें रिश्ता लेके आता वो प्याकड़ू का प्याकड़ू का हाँ वो प्याकड़ू का रिश्ता लेके आता है ना

रिश्ते नहीं, नहीं बड़े अच्छे बड़ ना पी थोड़ा खूब खातिरदारी इसकी भी हो जाती तो लात मार के निकाला जाता इनको लास्ट में वहां से तो वो सीन ने नहीं नहीं बागु तो था उसमें क्योंकि उसको उसको थोड़ी पता था कि प्याकू अपना रिश्ता लेके आया वो तो बेटे की रिश्ते की बात कर ले बेटी के रिश्ते की हाँ पकड़ू प्या, था उसमें इनो से वो ले आया था ना तो तब तेरे को बोल रहा हूँ कि भाई वो तू पैचअप करने की कोशिश कर रहा था ना क्योंकि गेम खराब हो रही रिश्ता तो तय ला था फिर भजनी तेरे ऊपर थी तो इसलिए वो बहुत ही बढ़िया जी तो अभी आर्टिस्ट कम्युनिटी में ना एक है टॉपिक है ये कि जो हिमाचल के आर्टिस्ट हैं उनको शायद उतनी तवज्जो नहीं दी जाती यहाँ लोकल जो जो जितने भी शासन प्रशासन के द्वारा जितने भी मेले वगैरह होते हैं मतलब ठीक है उनको गवाया जाता है गाते हैं वो लोग ठीक है बट जो एक जो उसका एक रिवॉर्ड जो मिलना चाहिए एक जो वो डिज़र्व करते हैं वो नहीं मिल पाता है उनको और ये एक किसी आर्टिस्ट के बड़े बड़े ए रेटेड आर्टिस्ट हैं जो उन, उनकी तरफ से भी आज की डेट में ये कि ए रेटेड तो कर दिया है बट वो एक क्राइटेरिया सेट नहीं किया है कि अगर कोई ए रेटेड आर्टिस्ट पीरियलट से ए आई आर के थ्रू जो हुए हैं फॉर एग्जाम्पल कि यार इनको एटलीस्ट इतना तो अमाउंट फिक्स होना चाहिए कि ये कहीं पे भी करेंगे बिकॉज यार ए रेटेड आर्टिस्ट बनना भी या बी रेटेड आर्टिस्ट बनना भी कोई हर किसी की वो नहीं है जी कि, किया उन्होंने इतने सालों से कर रहे हैं कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं तो एक जो एक मेहनताना समझ लीजिए जो एक रिस्पेक्टेड होना चाहिए ना कि आप हमारे कल्चर को प्रमोट कर रहे हो यार लो यार आप भी लो ताकि उनको भी और एक मोटिवेशन मिले तो मेरे मेरे को अभी तक उनके साथ जितनी भी डिस्कशन करी उनकी तरफ से यही आया कि यार एक रिस्पेक्टेड अमाउंट नहीं मिलता है कोई एक क्राइटेरिया नहीं शासन प्रशासन और ये सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है पूरे प्रदेश की बात है ये हर जगह ये ऐसा ही हो रहा है तो क्या आपको भी आपके कुछ विचार हैं इस चीज़ के ऊपर आपने कुछ एक्सपीरियंस देखो ये मेरे विचार आ, आप बोलना चाहेंगे कुछ नहीं ऐसा तो मुझे इसमें कुछ आ... नजर आ नहीं रहा है कि इन फ्यूचर जल्द ही इसमें कुछ सॉल्यूशन निकलेगा बट ये हो सकता है कि भी आर्टिस्ट मिलके कोई अपनी एक बना लें यूनियन यूनियन टाइप की कुछ बना लें क्योंकि हिमाचल में जो आर्टिस्ट भी अलग अलग बनते हैं और वो नेचुरली अलग अलग पार्टियों से जुड़े होते हैं और फिर उसमें पॉलिटिक्स आ ही जाती है पर उसमें भी मुझे लगा अगर यूनियन भी बनेगी तो उसमें भी पॉलिटिक्स आएगी ही आएगी तो रहता है पॉलिटिक्स तो खैर हर जगह है बट ये आई थिंक आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ के ऊपर मैं कहूंगा कि इसका जवाब है राजनीतिज्ञों के पास hmm. कि उनको राजनीति करनी कैसी है अपने समाज को किस ओर ले जाना है इस समाज को देना क्या है मैं आपको बता रहा हूं यदि मैं किसी परिवार का मुखिया हूं तो मेरा परिवार उस दिशा में जाएगा जिस दिशा में मैं उनको धकेलूंगा तो राजनीतिज्ञों के हाथ में देश और प्रदेश होते हैं उनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर होता है वो नीतियां बनाते हैं वो नियम निर्धारित करते हैं वो विचार करें या किसी से विचार करवाएं, से तो क्या तो हो सकता है एक फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट अगर किसी चीज से मिलती है संगीत से मिल सकती है आपको तो अगर आप किसी को अपने समाज को कंटेंटेड करना चाहते हैं तो आप कौन उसको वो दे सकता उस फीलिंग को आप उनका चुनाव अच्छे से करने में समर्थ है आप नहीं करना चाहते वो अलग बात है यदि तो आपने वोटों की राजनीति करनी है तो आप करिए हम तो उसका भी कोई वो नहीं है करिए हमारा जीवन चला जाएगा अगली जनरेशन का भी चला जाएगा मगर समाज कहाँ जाके खड़ा होगा भूल जाएगा वो अपने जो वैल्यूज से निकल जाएंगे ये धीरे 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 जो जिसने बचा लिया वो बच गया जिसने नहीं बचाया वो हट गया तो आपके हाथ में है जी हमने आपको चुन के भेजा है आप देखिए आप नहीं तो फिर समय आपको देखेगा सही कह रहे हो गोपाल शर्मा जी एक बात बताइए कभी किसी पार्टी की तरफ से कोई ऑफर आया कि गोपाल जी आप आइए आप थोड़ा है आप में वो बात है एक तो वकील भी हैं और आप अच्छे वक्ता भी हैं थोड़ा चुनाव की तरफ थोड़ा आइए जरा आप नहीं 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 जनाब मेरे को किसी पार्टी का ऑफर नहीं आया और शायद आएगा भी नहीं क्योंकि भीड़ है पार्टीज के अंदर वहाँ इतनी बड़ी भीड़ है और मैं तो उस भीड़ की लाइन कतार में हुई नहीं लाइन अलग है तो नहीं मेरे आप आपको बताया मैं किसी भी कतार में नहीं हूं बस मैं जो समय मुझे मिला है हाँ अगर कहीं जिम्मेवारी किसी चीज की आती है कहीं भी तो इतना जरूर है कि उसको निष्ठा और ईमानदारी से करना मेरा कर्तव्य होगा कहीं भी अब साथ जितना भी वक्त मैं जाता हूँ मोस्टली इसको टरका देता हूं मगर जब जाता हूँ तो फिर पूरा ही जाता हूँ फिर इसके साथ अपने साथ छल नहीं करता और यहाँ राइट्स को सबसे बड़ा माना जाता है दिस इज माय राइट हर आदमी राइट right क्लेम करता है अब पटी प्रेटी, पटिशन वाले उसमें हो ना आपने बताया उस उस उससे रिलेटेड कोई कुछ कुछ बताइए ना कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी कोई पटिशन क्या होता है क्या पटिशन में जी पटिशन हमने तो ये सुना है कि पटिशन दाखिल कर दीजिए इसके लिए रिट पटिशन रिट पटिशन की बात कर रहे हैं आप हाँ उसमें कोई भी विषय ऐसा जिसके अधिकार संविधान में आपको मिले हैं जो अधिकारों का हनन जहाँ किसी व्यक्ति के किसी नागरिक के हो रहा होता है तो वो रिट पिटीशन में जाके अपने अधिकारों को मांग सकता है मगर कोई भी पिटिशन ऐसी शायद बहुत कम होगी होगी भी तो मेरी नॉलेज में नहीं क्योंकि कानून में भी मैं उतना पूर्ण नहीं हुआ ये तो समुन्दर है कानून भी बहुत बड़ा सागर है तो मैं तो किनारे की छोटी सी मच्छी हूँ ड्यूटीज को क्यों फॉलो नहीं किया जा ड्यूटी मेरे हिसाब से प्रथम होनी चाहिए जब नेचर ने हमारे को पहली ड्यूटी दी है बताइए आप ये जीव संसार है ये क्या आपने बच्चों का भरण पोषण नहीं करता तो वो क्या है ड्यूटी नहीं है वो ड्यूटी कम्स फर्स्ट यहां राइट कम्स फर्स्ट वाली थ्योरी पर आप चल रहे हो तो फिर तो महाराज राइट ही क्लेम करते रह जाओगे तो होगा कुछ भी नहीं ड्यूटी अगर आप ओबे करने लग जाओ कि कचरा क्यों फैल रखा है क्योंकि मेरा अधिकार है मैंने रेफर निकाला फेंक दिया मेरा अधिकार है मैंने घर से कचरा निकाला सड़क में किनारे में फेंक दिया मेरा देश है मेरा अधिकार है मेरा प्रदेश फेंक दूंगा ड्यूटी अगर आती है कि नहीं ये मेरा कर्तव्य नहीं है मेरा कर्तव्य है कि इस चीज़ को फला जगह पर फलानी जगह पर रखना है तब तो ये बात बने तब तो स्वच्छता आए हर कोई आदमी कुछ बदलाव आए जब कर्तव्य पहले आएंगे तो अधिकार बाद में रह जाएंगे तो कर्तव्य अगर पहले आगे तो अधिकार तो अपने आप ही महाराज वो पूरे हो जाएंगे ये बहुत बड़ी बात है खैर शायद ही होगी एकदम अलग ही जोन में चले गए थे हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप ले गए है ना आप नाविक हैं पतवार आपके हाथ में तो मूड को थोड़ा सा लाइट करते हैं क्योंकि थोड़ा आप भी भावनाओं में बह दिशा विपरीत हो गई थी है ना सो so, इसको थोड़ा सा एंड तो ऐसे तो नहीं करने देंगे हम आपको ठीक है अब आप पहले सोच लीजिए कि आप कुल्लू के अलावा और कहाँ कहाँ के हमें सुनाएंगे बिलासपुर मंडी कांगड़ा इधर उधर का कुछ कोई नहीं जी कोई बिलासपुरी गाना भी हाँ हाँ बिलासपुरी गाना भी शायद दिमाग में है गंबरी देवी जी सुन रहा होगा नहीं नहीं खाना पीना नंद नहीं, नहीं, नहीं। हाँ ना खाना पीना नंद लेना गंबरी है तो सत्य है तेरा रुमाल वो भी बिलासपुर का ही बिलासपुर का है। ही है सुने तो होंगे पर अब वही बात है कि आ, मैं, ये नॉलेज नहीं।, नहीं।, नहीं है कि ये इस जगह का गाने तो आएंगे क्योंकि ये हम इंटरकनेक्टेड हैं हिंदी से तू

हाँ तो वो वो सुनाता हूं मैं मैंने सुन रखा था अपने यूनिवर्सिटी टाइम में आते आई जा तू तुआ पार लिया आते आई जा तु आ रिया गला भी तू बोली दे दो चार वारली आते आई जा तुआर क्या बात है शायद ये बिलासपुर साइड का ही जो नहीं है पता भी बिलासपुर नहीं है पर गाया तुम्हें बहुत गाया थे चलो बड़ा धन्यवाद तू सारा दो चार और गाने सुना दो बस तो ही है नहीं चलो फिर चंबर सुनाई दे तू सारा जो एक गाना <laughs> हो राजा तेरे गोरखे आने राजा तेरे गोरखे आने राजा तेरे आने लुटे आ संसार लूटे आ संसार गोरी दे माथे माथेदार ये थोड़ा सैड उसमें है बट ये गाना है ਕਾਂਗੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੁਣਾ ਕਰ ਕਾਂਗੜੇ ਵਾਲਾ ਓਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਬੇ ਮੰਡੀ ਇੱਕ ਖਾਰੇ ਕਰਤੇ ਨੇ ਨੇ ਕਾਂਗੜੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸਗੇ ਆ ਜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਬਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਗਦੀ ਵਿਆਹ ਲਾੜੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇ ਗਲਾਏ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਾਂਗੜੇ ਦੀ ਕਨੇ ਸੇ ਮੀਰਪੁਰੇ ਦੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਰਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਾਂਗੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੰਨੀਆਲ ਸਾਈਡ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗੜੇ ਰੇ ਤਾਂ ਬੜ ਬਾਰੀ ਗਾਣੇ ਗਾਇ ਰਸੀ ਸੁਣਾਇਦਵਾ ਦੋ ਚਾਰ ਕਾਂਗੜੇ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ ਇਹ ਦਸਾ ਵਾਲਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜਾ ਜਿਆ ਗਾਣੇ ਕਰਾ ਬਲਾ ਇੱਕ ਤੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਇਆ ਫੋਕ ਸ਼ੇਕ ਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੇ ਨਹੀਂ ਰੋ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਕਰੀਲੇ ਨਾ ਸਾ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਗੈਲਵਾ ਨਹੀਂ ਸੇ ਮੁੰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਇਹ ਬੱਤ ਬਟੂਦਵਾ ਹਾਂ ਸੇ ਕਿਥੀ ਸੇ ਕਿਥੀ ਗਾਇਆ ਰਸੀ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਪੋਣ फोक शेक वन में भी तो है कांगड़ा का कौन सा यार वो याद ही नहीं आ रहा अच्छा ठहरा जी ठहरा कताब लग रहा देखता ना देखा देखा था मैं तो पूरा टाइम ला <laughs> व्हाट एन इंटरेस्टिंग पर्सन फोक से मैं ऑन अ सीरियस नोट बोल रहा हूं ये चुड़ दे डालो हां ठंडी ठंडी हवा चुड़ दे चुड़ दे से लग रहा था मेरे दिमाग ऐसे लग रहा था से खट गया थे ब्रदर वाला की चीज लिखी रहे से गाना शुरू करो ਠੰਡੀ ਠੰਡੇ ਹਵਾ ਚੁਲਦੀ ਚੁਲਦੇ ਚੀਲਾ ਰੇ ਢਾਲੂ ਚੁਲਦੇ ਚੀਲਾ ਰੇ ਢਾਲੂ ਜੀਣਾ ਕਾਗੜੇ ਦਾ ਗੋਰੀ ਚਾਵੇ ਚਾਵੇ ਪੁੱਛਦੀ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪੁੱਛਦੀ ਗੱਦੀਆ ਦੇਖ ਲੈ ਆਰਾ ਜਰਾ ਝਟਕਰ ਭਾਈ लोगों खुश हो ना इंटरव्यू देखने देखना तीन दिन आई जानी बड़ी खरी गल है जी देखा है मिली मिली है है ये बड़े भारी तेज है तू ता ये गाना तुम डेडिकेट करना <laughs> मगर इस समय जब <laughs> एक समस्या आई गिरी ये बड़ा मीन नहीं लिखेगा मेरी ਹੋਣ ਗੱਡਿਆ ਚ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਚਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਫੇਰੀ ਕਾਣੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਿਨੇ ਕਾਂਗੜੇ ਦਾ ਗੱਦੀ ਚਾਵੇਂ ਚਾਵੇਂ ਪੁੱਛਦਾ ਗੱਦਣੀ ਮੰਗਾ ਸੱਜਿਆ ਵਾਲੂ ਉਹ ਗੱਦਨੀਆ ਖਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਬੁਰੀ ਡੇਰੀ ਨਾ ਡੰਗਰੀ ਚਲਾ ਮੈਂ ਕੰਦ ਮਾ ਉਹ ਯਾਦ ਨਾ ਉਹ ਮਾਲਾ ਰੱਟਾ ਤਰੀ ਲੇ ਗੇ ਵਰਜ ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਰੀਅਰ ਰੋਲਿੰਗ ਰੋਲਿੰਗੀ ਇਨੀ ਐਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਜੀ ਅਚਲ ਨਾ ਓਹੋ ਬੜਾ ਬਾਰੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀ ਤਰ ਤੂੰ ਯਾਰ ਚਲਾ ਚਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਸੇਂ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੁਲਦੀ ਚੁਲਦੇ ਚੀਲਾ ਰੇ ਢਾਲੂ ਓ ਚੁਲਦੇ ਚੀਲਾ ਰੇ ਢਾਲੂ ਜੀਣਾ ਕਾ ਗੜੇ ਦਾ ਜੀਣਾ ਕਾ ਗੜੇ ਦਾ ਗੱਦੀ ਚਾਵੇ ਚਾਵੇ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਗੱਦਣੀ ਬਾंका ਸਜਿਆ ਵਾਲੂ ਉਹ ਗੱਦਣੀ ਬਾंका ਸਜਿਆ ਵਾਲੂ ਜੀਣਾ ਕੰਗੜੇ ਦਾ ਜੀਣਾ ਕੰਗੜੇ ਦਾ ਖਾਣੇ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਭੱਤ ਪਟੂਰੂ ਖਾਣੇ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਬੱਤ ਭਟੂਰੂ ਉੱਚੀਆਂ ਧਾਰਾ ਤੇ ਪੌਣ ਛਰੂਲੂ ਰੀੜੀਆਂ ਰੀੜੀਆਂ ਡੰਗਰੇ ਚਰਾਉਂਦੇ ਕਨੇ ਗਾਉਂਦੇ ਗੀਤ ਗੁਆਲੂ ਹੋਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਗੀਤ ਗੁਆਲੂ ਜੀਣਾ ਕਾਗੜੇ ਦਾ ਜੀਣਾ ਕਾਗੜੇ ਦਾ ਕਿਆ ਗੱਲਿਆ ਤਾਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਖੁਸ ਹੋਈਣਾ ਭਈ ਓਹੋਹ ਦਮਾਜੀ ਨੇ ਕਿਆ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਭਈ ਹੈ ਚਲਾ ਜੀ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਉਂਦੀ ਸਜ ਤਿੰਨ ਅਜੋ ਵੀ ਤਾਂ ਸਹੁਰੇ ਜਿ ਠਹਿਰੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰੇ ਸੁਣ ਲਈ ਰ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਮਾ ਜੋ ਸੁਣ ਲੇਨ ਸ਼ਰਮਾਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਪਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਰ ਕੋ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫੋਕ ਸ਼ੇਕ ਕੀ ਤਰ ਹੁਣੇ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਫੋ ਅਪਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਰ ਸੇ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ ਹਕਟਿ ਮਿਲਾਜਾ ਹਕਟਿ ਮਿਲਾਜਾ अखटी मिलाई जा लाई जा अपने पे बाट बताई जा अकटी मिलाई जा आई जा आई जा छोरिए आई जा प्यारा रहा आके निभाई जा अखटी मिलाई जा तू झूम के चले कंटिन्यू तो दिल में चले कटारी हाँ, हाँ है मीठी नज़र ये जालिम नजा तुम्हारी गुनगुन गूंजे गुन आज पवन में धीरे धीरे चल चांद गगन में कहीं ढलना जाए रात टूट ना जाए सपने ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਚਲ ਚਾਂਦ ਗਗਨ ਮੇ ਵਾ ਇੱਕ ਤੋਸਾ ਗੈਰਬਨ ਉਹਨ ਇੱਕ ਸਾਸ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਬਸ ਤੂੰ ਫੇਰ ਜਾਨ ਛੱਡਣਿਆ ਫੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਬਲਾ ਕਾਂਡਾ ਚੂਹਾ ਹੋ ਕਾਂਡਾ ਚੂਹਾ ਕੁਮਰੋਰਾ ਰਾਰੇ ਹਾਈ ਪਿਆਰੂ ਆ ਬਈ ਮਨਾਰੇ ਕਾਂਡਾ ਚੂਭੀ ਗੋ ਕੁਮਰੋਰਾ ਰਾਰੇ ਹਾਈ ਪਿਆਰੂ ਆ ਬਈ ਮਨਾਰੇ

लाल रंगाई दे रमाल हमारे में हमने मेरे टाइम में ये सुनता था हो लच्छी है ना ना। हो है, मेरा लाल रंगाई दे रमाल लच्छी को रिप्लेस बाबू से आपने कर दिया बा... मैं भी सुन रहा भी। ओ बाबू माता जाइए ना सोल नहीं बजा अच्छा सही गल कर रहा हूं अच्छा 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 जी 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 हाँ वो चलिए वो लिरिक्स आ जाते हैं हमारे जो पहले ऐसा ही होता था कि धुन एक रहती थी तो अलग अलग उसमें जाके वो उस पर गाते, गाते थे, थे उस पर जोड़ते थे जी गोपाल सर सर तो आए मजा लाए थे भाई जी बड़ा धन्यवाद मज़ा तो आपने लगाया आप भी जन सेवा का काम ही तो कर रहे हैं बहुत साधुवाद आपको नहीं वास्तव में इस तरह से आप जिन हम जैसे लोगों को बुला रहे हैं तो हमारे जो मन के भाव थे जो हमारे थे अच्छे या बुरे वो तो आप डिसाइड करेंगे या हमारे श्रोता डिसाइड ऑडियंस तो जैसे हम भड़क रहे हैं किसी किसी विषय पर कि ये नहीं वो नहीं हम फू फा फड़ू है कि नहीं वैसे ही जनता हमारे को सुन रही है कि यार ये अगर अच्छे लगेंगे तो वो सराहेंगे नहीं तो फटकार लगाएंगे आप दोनों ने बहुत ही ऑनेस्टली अपने विचार व्यक्त किए ठीक है मैं तो जनता तो ऑडियंस तो बाद में जाएगी पहले ये वाली जनता है, और ये जो जी, बैठी जी, हुई है पहली बात तो आप लोगों ने हामी भरी कि हाँ हम आते हैं और मतलब आप तरफ आए और जी हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी और आप लोग आए आप लोगों के साथ बहुत मजा आया नहीं वास्तव में ये एक सुखद संयोग था तो आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं वही बात आ गई कि आज हमें अनमोल उपदेश मिले उपदेश तो कईयों को मिल जाते हैं जी लेकिन हमें अनमोल उपदेश मिले आपको भी मिलेंगे बहुत जल्दी मिलते रहेंगे धन्यवाद धन्यवाद सर नमस्कार धन्यवाद